नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो वज्जायानं नमो लोये सवसाहुणं एचो पंचन मुक्कारो सवपावप्पनासनो मंगलानं च सवेसेम परमं हवै मंगलं ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए। समझाया ना कि एक बात पूछनी है, जैसे सुमति ने है, मान लो शकुंतला को पैदा किया है ना, तो सुमति के स्वभाव संस्कार सब उसमें आ गए, पर भुगोटा तो शकुंतला को अपना ही भोगना है। इसीलिए ये बताया है ना कि कर्म बांधता है कोई और भुगतता है कोई। बांधने वाला अहंकार और भुगतने वाला अहंकार दोनों अलग होता है, ख्याल में है। और ये रहस्य दादा भगवान ने खुला किया है। पर मतलब ये बात पूरी तरह क्लियर नहीं हो रही है, मतलब ऐसा है, इसलिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि बच्चे नहीं होते थे तो अनाथ आश्रम में से बच्चे को लेके आए, तभी तो पता होता ना कि ये मेरा बच्चा नहीं है। वो उनकी माँ का जो संस्कार होगा वो बच्चे में आया है करके बोलेंगे ना। अब परिस्थिति क्या होती है, जैसे थोड़ा समय जाता है तो वो बच्चा बोलना शुरू करता है, मम्मा मम्मा माँ माँ पापा पापा करके। फिर ये लोग भूल जाते हैं, फिर याद नहीं आता है कि ये तो अनाथ आश्रम से लाए है वह बच्चा है, हमारा बच्चा नहीं है। तब ये कोई बोले कि आपका बच्चा, हाँ हमारा बच्चा, ऐसा करके बराबर है। अभी आप सोचो कि आपका बच्चा है नहीं, लेकिन ये संजोग में से गुजरने से आपका बच्चा है ऐसा आपको हो गया अभी, बराबर है। अभी वो बच्चा जय सच्चिदानंद, आप जय सच्चिदानंद वाले हैं, जय जिनेन्द्र वाले हैं, जय स्वामी नारायण कौन? नहीं, हम तो ये सब कुछ भी नहीं। अरे वाह, तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते, जय गुरुदेव बोलते हैं? हाँ, जय गुरुदेव। तो अभी क्या हो गया, अभी जो भी आएगा बच्चा किसका है, किसी और का है, लेकिन सारा भुगतान आपको आता है ना, मेरा बच्चा ऐसा, मेरा बच्चा वैसा। समझ में, एग्जैक्टली ऐसा ही ये शकुंतला जी से है। हाँ, वो आपका परिचय, हाँ, लेकिन आप पूर्व परिचित, पूर्व परिचित हो ये सत्संग से? हाँ, एक बार हमने अटेंड किया। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे। ऐसा है ना, सत्संग के प्रकार तो सब होते ही है, सत्संग सत्संग ही होता है, लेकिन सत्संग में कई बार कथा का उपयोग करके
यानि बड़े पुरुषों की कहानी, जीवन चरित्र को का वर्णन होता है, उसे कथानुयोग बोलते हैं। फिर कथानुयोग से हमें वो बड़े पुरुषों का जीवन समझ में आता है और हमें भावना होती कि हमें भी ऐसा जीना चाहिए। ऐसा करके वो जैसे जैसे कैरेक्टर होते हैं, कोई बोलेंगे मुझे सीता जी जैसे बनना है, रुक्मिणी जैसा बनना है, कृष्ण भगवान जैसा बनना है, राम भगवान जैसे बनना है। जैसे कथा का मतलब ये है कि हमें प्रेरणा मिलती है ऐसा करने के लिए, ऐसा होने के लिए, ऐसा जीने के लिए। अभी हम थोड़ा उसको आगे जाए तो फिर क्या होता है तो बोले कि पर हकीकत क्या है? हकीकत तो जीवन व्यवहार है। तो आगे कर्म का फल, कर्म कैसा बांधा जाता है और वो बंधे हुए कर्म का परिणाम जब आता है तब हम कैसे परेशान होते हैं और हमारी कितनी सत्ता चलती है, हमारी कितनी मर्जी चलती है, हम उसके लिए क्या करें। इसीलिए हम थोड़ा बता रहे थे कि ये घर बना हुआ था ना, आप ये घर में आ गए, आपको लगता नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो अभी सिचुएशन क्या हुई, सिचुएशन क्या हुई, किसी ने बनाया, अभी ये आपका हो गया, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, तो आप उसको ठीक करवाते हैं ना, बराबर है। तो ये आपने ठीक करवाया अपनी समझ से, पर जिन्होंने बनाया था उन्होंने अपनी समझ में परफेक्ट माना था। आपके पास आए तो आपका परफेक्शन लेवल बदल गया तो आपने वैसा बदल दिया। आप जाओगे कोई और रहने आएगा, उनको और लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वो बदलेंगे। समझ में आया? इस तरह से हमारा ये शरीर है ना, एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता है और वहाँ पर जो जो मान्यता है, समझ है, वो बदलता जाता है, यानी बढ़ता जाता है, समझ बढ़ती जाती है और वह बढ़ता जाता है। फिर आखिर में ऐसे बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाता है, ये परिस्थिति में होता है क्या, पहले के कर्म होके आए हैं, जैसे किसी ने घर बांधा है आपने बदल दिया, तो आपने जो जन्म दिया बदला आप चले गए, जैसे वो घर छोड़कर चले गए आपके पास आया, उसी तरह से आप जब छोड़ के जाओगे, यानी ये दुनिया छोड़ के जाते हैं, तब ये घर इधर ही रह जाता है, यानी शरीर इधर ही रह जाता है और आत्मा के साथ कारण शरीर जो आपने बनाया, जो नया प्रोजेक्शन किया, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो और सूक्ष्म शरीर जाता है, निकलता है। स्थूल शरीर जो है जिसमें जिससे आपने कर्म का भुगतान किया वो यहीं रहता है, जिसका क्रिया कर्म कर लेते हैं। अभी ये जो कारण शरीर बना उसे आधार पर आपको नया जन्म मिलता है। अभी बनाया किसने, वो जन्म में जो थे, इसीलिए ऐसा एक उदाहरण लेने के लिए हम कहते हैं, किसी सुमति ने अपनी अच्छी मति से, अपनी अच्छी अच्छे सूझबूझ से ये बनाया और आपके भाग में आ गया। अब ये घर आपका है, उसी तरह से ये आपको शरीर मिला है। हाँ, तो अभी इसमें आपको सही है गलत है करके आपको वो समझ में आता नहीं, ये तो सही नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए, तो आप बदलेंगे। तो उसी तरह से क्या होगा, जब आप जाओगे तब ये शरीर यहाँ रहेगा और जो आपने नई मान्यता, नया प्रोजेक्शन किया है ना, वो आगे जाता है। तो ये उसे कहेंगे भटकना, परिभ्रमण करना, एक जन्म में से दूसरे जन्म में
जाते ही रहना, वो कभी बंद होता नहीं है जब तक आप नया कर्म करते रहते हो। और जब कृष्ण भगवान ने जैसे अर्जुन को दिव्य दर्शन करवाए, राम भगवान ने जैसे हनुमान जी को दिव्य दर्शन करवाए, महावीर भगवान ने गौतम स्वामी को ये दर्शन करवाया, ये दर्शन मिलने से नए कर्म बनना बंद हो जाता है। अभी नया कर्म बनना बंद हो गया ना, जो भी है वो अच्छा लगता है या बुरा लगता है वो आप समझ लेते हैं कि ये अब मेरे कर्म का परिणाम है। लेकिन अभी ये समझ से हमें पता चलता है कि ये मेरे कर्म नहीं है, लेकिन जो भुगतान आता है ना वो करुणा जी का है, मेरा नहीं है। समझ में आया? और वो भुगतान को आप वितराग भाव से भुगत लेते हैं। यानी ऐसा क्यों हुआ? तो बोले ऐसे कर्म के कारण करुणा जी को ऐसा भुगतान हुआ। ऐसे कर्म के यानी या तो पुण्य का भुगतान होता है या पाप का भुगतान होता है। पुण्य के भुगतान में सुख आता है, आपकी इच्छा अनुसार सब कुछ होता है, और पाप के भुगतान से आपके इच्छा विरुद्ध होता है, दुख आता है। लेकिन उसमें आप शामिल नहीं होते, आत्मदृष्टि से उसको अलग से देखते रहते हैं और वो पसार हो जाता है, चले जाता है, आता है चले जाता है। आपने नया कर्म नहीं बनाया। अभी ऐसा पूरा जीवन अगर ऐसा जाता है तो अब क्या हो गया कि ये जो स्थूल कर्म है यानी करुणा जी है, वो पहले के कर्म का परिणाम है, वो पूरा भुगतान हो गया। आपने नया कारण शरीर नहीं बनाया, नया कारण शरीर नहीं बनाया यानी अभी आपको नया जन्म नहीं मिल सकता। फिर ये आत्मा का क्या होता है? वो आत्मा जिसके अंदर ये नए कर्म बनते हैं तो वो कारण शरीर के साथ निकलता है। अभी ये कारण शरीर है नहीं, तो क्या होता है? आत्मा और सूक्ष्म शरीर दो ही होता है। ये स्थूल शरीर यहाँ रह गया, कारण शरीर नया बना नहीं, तो अभी आपके लिए एक ही जगह है। अगर कर्म है तो वो चार गति में आपको जन्म होगा। अगर ये चार गति की जगह नहीं मिली तो आखिर की जगह मोक्ष है, तो आप मोक्ष में जाएंगे। ये आत्मा अब यहाँ से भटकना नहीं पड़ेगा। ये सारी मनुष्य जीवन की क्या बोले लब्धि है, सिद्धि है जो हम कर सकते हैं। और भारत के मनुष्य जीवन का लक्ष्य हेतु गोल यही है कि किस तरह से हम मुक्त हो जाए। मुक्त होने के लिए कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नया बनाना बंद होना चाहिए। वो कब होता है? जब हमें ये तीसरी आँख, शिव जी की तीसरी आँख खुल जानी चाहिए। और ये तीसरी आँख खुल जाती है तो हमें स्पष्ट दर्शन होता है कि हकीकत क्या है। ये परिणाम मेरे नहीं है। समझ में आया? तो वो छोटी यात्रा है और उसमें कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ग्रहण करने की ज़रूरत नहीं, कुछ त्याग करने की ज़रूरत नहीं है। जो है, जैसा है, जहाँ है, उसे पहचान लो, समझ लो, और आप कौन है वो समझ लो। परिणाम क्या आएगा? सारा जीवन व्यतीत होगा, एक भी कर्म नहीं बनेगा और आप मुक्त हो जाओगे। असर मुक्त रहना वो पहली मुक्ति है, क्योंकि अच्छा आया है बुरा आया आप असर मुक्त रहेंगे। असर में आने से नए कर्म बनते हैं। असर कब होगी? अज्ञानता है तो असर होती है। ये अच्छा लगा, ये बुरा लगा, ये अच्छा बुरा लगेगा, लेकिन आप पहचानेंगे कि ये तो करुणा जी को हुआ, मुझे नहीं हुआ। मैंने तो जाना कि करुणा जी को ये सुख आया, ये दुख आया, आके चले गया। ये सिंपल सीधी सरल यात्रा है। बोलो। क्योंकि ये दृष्टि ऐसे ही मिली है इसीलिए ये सीधा सरल हो गया, वरना यह मार्ग में चलने के लिए जो अच्छा लगता है वो पहले छोड़ना पड़ता है। तो आज के समय में तो मुश्किल से कुछ थोड़ा अच्छा लगता है और बोलेंगे कि ये छोड़ो, तो बोले आप छोड़ना, हमको यहाँ रहने दो, हम सुखी है यहाँ पर। ऐसा होता है, बहुत बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आप जो अच्छा लगता है वो रखो, जो नहीं अच्छा लगता है ना वो
जो आपको ये दृष्टि देते हैं ना उनके पास भेज दो। वो जैसे वो पार्सल कर देते हैं ना, ऐसा पार्सल कर दो उनको, ऐसा है। अच्छा अच्छा आपके पास रखो, जो नहीं अच्छा लगता है वो पार्सल कर दो। बोलो, इतना सीधा सरल आसान रास्ता था ही नहीं, लेकिन आप जागरूकता से आपका जीवन जाएगा। कौन से भगवान को की आराधना करते हैं आप? गायत्री मंत्र यानी शिव जी ही आए ना? नहीं, गायत्री माता है। माता है, लेकिन आखिर में वो तो शिव स्वरूप नहीं है। गायत्री मंत्र तो ओम भूर्भुवः स्वः। हाँ हाँ, वो बराबर है उसे। वो मंत्र तो क्या बोलते हैं, सूर्य नारायण का मंत्र है। हाँ। और उससे हमारी बुद्धि जागृत होती है, जिससे हमें हकीकत समझ में आती है। बुद्धि ठीक होने से हम विचलित नहीं होते कोई भी परिस्थिति में, और परिस्थिति में हम किस तरह से शांत रहकर उसको गुजर जाए, असर हो मुक्त रहकर, बहुत अच्छा है। नो प्रॉब्लम, जाना है तो जाओ। हाँ, ऐसा है तो अब बोलिए आप आगे क्या जानना चाहते हो, क्या समझना चाहते हो? नहीं नहीं ठीक है ठीक है। बोलिए, कौन से क्लास में पढ़ते हो? स्कूल में जाते हो आप? वेरी गुड। स्कूल में जाना अच्छा लगता है? बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, क्या बात है। बोलिए। आना ही था? नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया उसको, वो लक्ष्य में रखो। वो ध्यान नहीं, क्योंकि ऐसा हमने जो खाना खाया ना तभी तो बड़े खुश होकर खाया था, लेकिन तभी ये समझ में नहीं आया था कि ये शायद खाने से प्रॉब्लम आ सकता है, तो फिर वो धीमे धीमे बंद हो जाता है। क्योंकि जीभ को अच्छा लगता है लेकिन पेट में जाके गड़बड़ करता है, तो आपको कुछ रास्ता करना पड़ता है। वो चाहिए, वो तो ऐसा है ना, आपको इतना आप इतना सिंसियर नहीं है, सीरियस नहीं है। जब ही समझ में आ जाएगा, एक बार बहुत मार खाएंगे ना तो जाग जाएंगे, फिर नो कॉम्प्रोमाइज। कोई कितना हाँ, दूसरे देखो, आप जहाँ भी जाओ ना सही जगह पे कीटाणु है, लेकिन आपका गला कभी पकड़ेगा पता है? वो कीटाणु आपको कभी क्या बोले परेशान करेगा, पकड़ेगा। जब अंदर कुछ गड़बड़ है ना तो पकड़ेगा, वरना जहाँ भी जाओ सभी जगह पे कीटाणु। नहीं तो कोई आपके सामने छींका, ओ मेरे सामने छींके थे ना, इसीलिए वो हुआ। वो तो छींके तो दूसरे चार लोग भी थे, उनको कुछ नहीं हुआ, आपको हो गया। ऐसा होता है, इसीलिए आपको इंटरनली स्ट्रांग रखो, अच्छी इम्यूनिटी के साथ, फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। जगह तो है सभी जगह पे, ऐसा है। वरना हमारे भाई साहब को, बड़े भाई को 2009 में ब्रेन का इन्फेक्शन हो गया था, वो कोमा में थे 15 दिन तक जागृत हुए, सारा शरीर क्लियर हो गया, लोअर बैक का इतना पोर्शन 2 इंच का बराबर नहीं हुआ, वो पैर नहीं चलते, स्टूल और यूरिन कंट्रोल नहीं है, पूरे डॉक्टर है,
लेकिन ये लिमिटेशन के कारण आना जाना सब मर्यादित हो गया, ऐसा है। अब बोलो, जब वो एडमिटेड थे हिंदुजा में तब दो बेड छोड़ के ऐसे ही 17 साल की लड़की को ऐसा हुआ था, उन्होंने वापस भेज दिया, कुछ नहीं होता, वो गुजर गई 15 दिन के बाद। बोलो अभी उनको ये 2009 में हुआ था, अभी इट्स फाइन, पर ये कमजोरी के साथ अब क्या करेंगे। अभी अभी पता चला है कि बोले उनका बुध ग्रह कमजोर है, तो इसके लिए आप बुध ग्रह का मंत्र जाप करिए, ओम भूम बुद्धाय नमः करने का। बोलो पर ये जो सफरिंग है, इतने सारे लोगों में इनको हुआ लेकिन ये रिकवर हो गए, हमारे सामने ही वो 17 साल की लड़की गई, ऐसा होता है। तो ये पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, कर्म का है, कर्म मीन्स आपको वो भुगतान में से गुजरना है, आपको वो भुगतना पड़ता है, फिर जैसा भी है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, खाने की मर्यादा आती है, फिरने की मर्यादा आती है, स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, जॉब नहीं जा सकते, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन फिर से वो बाहर आ जाते हैं। एक बार ऐसी एक सिचुएशन आ गई थी, किडनी स्टोन पास हो रहा था, नहीं पेट बिगड़ा था, फूड पॉइजनिंग जैसा हो गया था, और वो बॉडी फ्लूइड कम हो जाता है ना उसमें, हाँ, और मैंने मेरी बीपी की गोली ले ली, ब्लड प्रेशर क्रैश हो गया 65-40, सब कुछ बंद हो गया, ड्रिप लगाई, फिर क्रिएटिनिन 10 हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, हाँ, लूज कम होगा जो उसका कंसंट्रेशन। 3 दिन हॉस्पिटल में रह के आए, 3 दिन तो ऐसा लगा ना जैसे मैं नया जन्म लेके बाहर आए ना, ऐसा लगा कि दुनिया ऐसी है करके लगी, वरना 3 दिन कुछ देखने का नहीं, बाहर जाने का नहीं, लोग आते हैं मिलते हैं, जय सच्चिदानंद, ऐसा। तो ये इसमें से आपको गुजरना पड़ता है, गुजरने का। मुझे तो बहुत समझ में नहीं आता, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं था, लेकिन हमारे आप तो पुत्र है ना शैलेशानंद जी, वो डॉक्टर हैं, उनको वो समझते हैं, वो तो इतना टेंशन में है, नथिंग डूइंग, पहले उनके घर गए थे, ड्रिप वहीं लगाई, फिर जब दूसरे दिन सुबह में वापस वो लिया, ब्लड टेस्ट करवाई, तो अगले दिन 7 था, नेक्स्ट डे 10 हो गया, नथिंग डूइंग, बोले यू मस्ट गेट एडमिटेड, एडमिट हो गया, 3 दिन में वापस आया, ऐसा होता है। लेकिन ये धर्म ऐसी चीज है, यानी सही समझ, या ऐसे ही खुशी महसूस करेंगे, तकलीफ कुछ भी होगी लेकिन आपका आनंद जाएगा नहीं, ये हम कर सकते हैं, वरना किसी ने बुलाया नहीं, किसी ने ऐसा नहीं किया, प्रमोशन नहीं मिला, बहू ने ऐसा किया, सास ने ऐसा किया, बच्चों ने ऐसा किया, फ्रेंड ने ऐसा किया, इन्होंने धोखा दिया, वो सब सब कोई परिस्थिति आपको असर नहीं करती, हाँ, वो होना चाहिए, फिर आखिर में प्रमोशन वो सब इधर ही है, इधर ही है, क्योंकि क्या होता है, ऑफिस में 2 लोगों को मिला हमारे साथ थे, मुझे नहीं मिला, फिर 10 लोग आके मुझे, हमको नहीं मिला, क्या हो गया, आपका तो परफॉर्मेंस अच्छा था, ये है वो है,
फिर आपके दिमाग में ही चलता है आई विल चेंज द जॉब, यहाँ मुझे नहीं मिला, ऐसा करके जाते हैं। वहाँ जाके और नई जगह पे गए तो नई समस्याएं, लेकिन छोड़ना नहीं छोड़ना अलग बात है, लेकिन बात समझना है, ऐसा है। बोले बात समझ लिया तो शांति हो जाएगी। बोले पीयूष भाई कुछ फरमाइए, अगर आपको थोड़ा फ्री हो तो। एक ही मिनट उनके पास रख दो ना, बस ये आवाज आ जाएगी। तो अभी ऑफिस एनवायरनमेंट में आजकल क्रिटिसिज्म निंदा सब एक परसीव्ड माइंडसेट से काम कर रहे हैं, तो इसको ऐसे करना चाहिए था, ये ऐसे करता है, ये सही नहीं चल रहा, वो जॉब का पार्ट है, बट फिर भी कहते ना एक पार्ट ऑफ वो निंदा में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में है कि आइडेंटिफाई करना है, बताना है, रिकमेंड करना है कैसे नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बट उसमें वो कहते ना निंदा का पार्ट हावी हो जाता है, तो वो माइंड में स्ट्राइक होता है होने के बाद कि ये सब ग्रुप मिल गया, बॉस ने ऐसा किया या ये कलीग ने ऐसा किया, तो वो निंदा वाला एंगल हावी हो जाता है। एक ही बात समझना है, हमें पता चला ये गलत हो गया, यानी कैसा हो गया, हम ड्राइव कर रहे थे, जानने में आया कि रॉन्ग एग्जिट ले ली, अब क्या करेंगे, वापस आ जाओगे ना, वापस आ जाने तो जब आप वापस आ गए तो क्या रहता है, यू आर ओके इन द सेंस, गलती हुई थी हमने उसको सुधार ली। उसी तरह से आपको करना है, निंदा करनी नहीं थी, हम तो ऐसा मानते थे सब अच्छा ही है हमारे पास, हमारा सब अच्छा है, लेकिन ऐसा हुआ तो हमें पता चला कि ये गलत हुआ, तो माफ़ी मांग के आगे बात समझ लेना है कि प्रेशर में सब लोग आते हैं, तो कुछ लोग प्रेशर में आके बहुत गलत करते हैं, तो उनके गलत करने से कितने लोगों को असर होती है, उसमें आपको भी असर होगी, लेकिन आप वो बैलेंस नहीं कर पाए तो उसके माफ़ी मांग लेने की कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ऐसी परिस्थिति में भी पॉजिटिव रहना है, क्योंकि ये तो क्या डिस्टर्बेंस आके चले गया, लेकिन वो डिस्टर्बेंस में आप हिल गए और वो हिल जाने की परिस्थिति में आपसे ये क्या बोले, वो कुकर की सीटी बजती है ना, ऐसे लोगों की निंदा हो गई तो बोले नहीं, समझ में आया, ऐसे करेक्शन करते करते आप बिल्कुल सीजन्ड हो जाओगे कि परिस्थितियाँ आएगी लेकिन आप बिल्कुल निंदा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, होगी नहीं, फिर बात समझ लेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, परिस्थिति तो डिपार्टमेंट में आई या कंपनी पर आई तो सबको आई, लेकिन ऐसा लगता है कई बार हम जो निर्णय लेते हैं तो गलत साबित होता है, जिसके कारण हमें तकलीफ आती है, भुगतना पड़ता है, फाइनेंशियल लॉस होता है वगैरह, हेल्थ में भी शायद कुछ ऐसा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं फिर, ये गलत हुआ था अब ये नहीं करेंगे कभी भी, तो समझ में आया ना, तो इस तरह से ये सब हमारे जीवन के पहलू कैसे हैं कि हमें किसी न किसी प्रकार से भुगतान करवाता है, फाइनेंशियल, मटेरियल, टाइम सब, और सबसे बड़ा है जो हमारी खुशी चली जाती है, दुखी हो जाते हैं, कि धीमे धीमे वो भी आप समझ लेंगे, जैसे कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था ट्रेन में, लेकिन एक शख्स थे वो सोए भी रहे थे, सो गए थे, और इतना सारा हंगामा हुआ वो जागे ही नहीं,
फिर वो फायर ब्रिगेड वाला आके उनको उठा के लेके गया, तो हे क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, अरे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जल रहा है सब कुछ, बाहर आओ आप। हाँ हाँ, उनको इतना ही हुआ, वो जो पैनिक जो जो सिचुएशन में से दूसरे लोग जो जाग रहे थे और वो परेशान हुए, ये इनको उठाने के बाद इतना 5 मिनट का हुआ और वो तो 5 मिनट में बाहर आ गए। ख्याल में आए कि परिस्थिति आई सबको, लेकिन जो जाग रहे थे वो परेशान थे, ये तो सो रहे थे, इनको कुछ ही नहीं हुआ, और जागे तो इतना थोड़ा हुआ और बाहर आ गए। ऐसा है तो ये धर्म की समझ से परिस्थितियाँ आएगी, लेकिन परिस्थितियाँ यानी खुली आँख से आपको किस तरह से सोना है वो आप समझ जाओगे और असर मुक्त रहोगे। एक तो असर मुक्त रहना है और दूसरे में ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी आप क्या बोले सक्सेसफुल होंगे, मुनाफा करेंगे। ऐसा है, मुनाफा कैसे करेंगे? मुनाफा करना यानी जहाँ लोगों को नुकसान कर लेते हैं अपना, तो मुनाफा में इनको प्रमोशन मिल गया, क्योंकि उन्होंने वो परिस्थिति में बैलेंस रह के अच्छा काम करके सारे कंपनी को बेनिफिट करवाया। डैमेज तो हुआ ही था, वो इस तरह से होता है। बैलेंस रहेंगे तो आप अच्छा सही सोच सकेंगे, सही निर्णय ले पाएंगे और परिस्थिति में से बाहर आओगे। अच्छा है, अब धीमे धीमे बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है ना, परिस्थितियों में हमारा संतुलन बना रहेगा, और वो संतुलन बने रहने से जो गलतियाँ होती थी वो नहीं होगी, और वहाँ पर सही निर्णय लिए जाएंगे। तो परिस्थिति जहाँ गिरा सकती थी आपने उठा लिया। ऐसा है, जैसे कि सभी बड़े पुरुषों को, कृष्ण भगवान को, राम भगवान को, महावीर भगवान को, जीवन की परिस्थितियाँ कितनी विपरीत आई, विचलित हो जाए थे, लेकिन वहाँ स्थिर रहकर वो पार कर गए, तो मोक्ष में गए, बोलो। और दूसरे लोग जो गलत निर्णय लिया, कर्म बांधे, नीचे गिरे। यानी सही समझ से ऐसे लोग वो पार करके ऊपर जाते हैं, जिनको सही समझ नहीं है वही परिस्थिति में वो गिर जाते हैं। ऐसे गिरते चढ़ते निकल जाने का है। और सामान्य पर एक पर समस्या या एक प्रॉब्लम कहेंगे, वो ऐसा है ना, मैं तो कृष्ण भगवान को मानता हूँ, मैं तो राम भगवान को मानता हूँ, मैं तो महावीर भगवान को मानता हूँ। राम भगवान 10,000 साल पहले है, कृष्ण भगवान 5,000 साल पहले है, महावीर भगवान 2600 साल पहले आए, दादा भगवान 100 साल पहले आए। अभी कृष्ण भगवान के पास जब अर्जुन आए और अर्जुन ने अपनी समस्या की कही, तो कृष्ण भगवान ने ऐसा नहीं कहा, राम भगवान सब कुछ बता के गए हनुमान जी को, आप समझ लो। लेकिन जो राम भगवान ने वो परिस्थिति में हनुमान जी को बता के उनका मार्गदर्शन किया, उसी तरह से कृष्ण भगवान ने अर्जुन की परिस्थिति में यही मार्गदर्शन करके उनको वो परिस्थिति में से कैसे निकल आए, वो परिस्थिति का कैसे सामना करें, वो परिस्थिति में कैसे सफलतापूर्ण बाहर निकले बता दिया, वो युद्ध लड़े, युद्ध जीते और मोक्ष में भी गए। ये विचार है। दादा भगवान ने सेम किया। आज की वर्तमान परिस्थिति में कैसे आप स्वस्थ रह पाएंगे, और जो सामान्य सांसारिक क्या बोलते हैं अनुशासन चाहिए, वो तो लगेगा ही कहाँ भी हो आप, अगर वो भी नहीं है तो आपको मार खाना ही पड़ेगा। ऐसा है, तो वो जब मैं छोटा था तो मेरा गोल ऐसा था पास होने का, बस पास हो गए तो ख़त्म हो गई बात। लेकिन 9th में टर्मिनल में फेल हो गया, मैथमेटिक्स में 10 marks out of 100, बोलो। और हमारे बड़े भाई साहब फुल मार्क्स लाते, एक दो मार्क्स कम होते तो वो लड़ते हैं, कहाँ काटा, मैंने तो सब बराबर लिखा था,
वो दो मंक भी कहाँ काटे, ऐसा हो गया था। तो बड़ी डांट पड़ी, बहुत डांट पड़ी, लेकिन वो डांट पड़ी लेकिन वो बहुत पॉजिटिव रही कि अभी मुझे भी ठीक करना है, मैं ठीक हो करके बताऊंगा। तो तभी से ये जो जीवन में मोड़ आया वो सारा इंजीनियरिंग खत्म हो गया, उनको भी टेंशन नहीं आया कभी और मुझे भी कभी टेंशन नहीं आया, बोलो आराम से। और कैंपस में ही पिकअप हो गया लासन एंड टुब्रो में, 10 साल काम किया, फिर 10 साल के बाद यहाँ जुड़ गए, बोलो 3 साल हो गए। ऐसा तो गलतियाँ तो होगी, हमें करनी नहीं है, लेकिन उसको सुधारते रहना ये हमारा धर्म बनता है। खुद सुधारते सुधारते परफेक्ट हो जाओगे। ये फेलियर या जो गलती हो गई वो फाइनल नहीं है, ऐसा नहीं है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, ऐसा कभी कुछ होता ही नहीं है। अपेरेंटली लगता है कि बड़ा नुकसान हो गया करके अभी कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, ऐसा है। फिर मज़ा आएगा क्योंकि फिर आप जहाँ भी जाओगे ना तो ये आपकी जो विजन है, समझ है, वो वहाँ काम करेगी। घर पर है तो घर पर काम करेगी, बाहर गए तो बाहर काम करेगी। अच्छा मार्गदर्शन करोगे, ऐसा है। तो इसमें जैसे यही टॉपिक पे आया कि अभी कंपनी में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स, ग्लोबल सिचुएशन अच्छा नहीं है, तो यूरोप वगैरह में मार्केट तो इंडिया में अच्छा चल रहा है, एशिया में अच्छा चल रहा है, फिर भी हमको मेजर्स लेना है, कॉस्ट मेजर्स सबको। तो मैं कंट्रोलर हूँ तो मेरा काम है सबको ये सर्कुलेशन देना, कौन क्या कर रहा है, गलत कर रहा है तो उसको सही बताना, बॉस को रिकमेंड करना। पर उसमें क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोग जो होते हैं उनके प्रति जो बायस बने हुए हैं परसेप्शन, वो हावी होने लगते हैं, उसको कैसे अलग। देखो ऐसा आपको लगता है ना कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति ऐसे या ये 2-3 लोग ऐसे ना, तो उनके साथ पर्सनल मीटिंग कर लो, उनको उनको ऐसे कॉन्फिडेंस में लो कि हमें ये क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक ऐसी पोजीशन पर है कि उनके नीचे 10-15-20-25 लोग हैं, तो वो अगर ठीक से नहीं रहते हैं तो उनके नीचे जो है वो भी ऐसा चलेंगे, तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान है। तो हमको लीडर को यानी जो भी पोजीशन में है उनको सही गाइड करना है, समझा देना है कि क्यों ऐसा है करके। मेक हिम पार्ट ऑफ योर टीम। मैं बॉस हुआ मैं कहता हूँ ऐसा करना है, वो वेरी डेंजरस है क्योंकि सब लोग अपने ईगो पर रहते हैं, ईगो से जीते हैं, और अगर आपने उनको शामिल किया कि ऐसी एक फिक्टिशियस मीटिंग बुला लो कि जहाँ पर ये समस्या है तो उनको बोलो क्या करना चाहिए, ऐसा कर लीजिए, तो फिर आप अपना वो बताओ कि साहब ने ये परिस्थिति में ऐसा तय किया, आपको कैसा लगता है। ऐसा एक ऑर्डर जाता है ना तो दिमाग फिरता है, लेकिन जब हम उनको पार्ट ऑफ द टीम बना लेते हैं और उनका क्या बोलते हैं उनका पार्टिसिपेशन भी लेते हैं, देना तो मैसेज तो वही देना है, लेकिन एक एक फॉर्मल एक्सचेंज करके आप अपनी बात रखेंगे कि ऊपर से ऐसा आया है और ऐसा सोचा है, आपको क्या लगता है, तो मान्य करेंगे, क्योंकि जो सभी के लिए सारी कंपनी के लिए अगर वो पॉजिटिव है बेनिफिशियल है तो मान्य करेंगे। लेकिन क्या हो गया, ऐसा करके आपने उनके अहम को स्पेसिफाई किया। सारी लाइफ अगर देखें ना तो इट इज प्ले ऑफ ईगो ओनली, और ये आपको आ गया ना, यू आर अ सक्सेसफुल लीडर, बहुत अच्छा रहेगा। ये नहीं आया तो इट इज़ अ डिजास्टर, क्योंकि फिर आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। एक ही ऐसा बताया, आप जानते भी होंगे वो लीडरशिप का बताया, अगर आपको जल्दी जाना है तो अकेले दौड़ो, और बहुत लंबे जाना है तो सबको साथ लेके दौड़ो, चलो ये होगा, थोड़ा टाइम लगेगा,
लेकिन इससे आपका जो एक लोगों के साथ का जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है वो बहुत महत्व का है। अभी नेक्स्ट टाइम अभी कुछ बोलेंगे ना तो आप वो एक्सेप्ट करेंगे, और ऐसा कभी ऑर्डर जैसा कभी पास करने का ही नहीं। लेकिन इस तरह से बुला कर मीटिंग करके ये सिचुएशन है करके ऐसा करके करना है तो वो भी माने रखेंगे। तो ऐसा है ना, हमको पूछा यही को ऐसा है, पूछे बगैर कह दिया ना तो दिमाग खराब होता है उनका, लेकिन हमको पूछा और हमारी राय लेके ये सब किया, बोले हाँ ये बराबर है। दिस इज वन मैटर, तो वही होती है फाइनली, आप ही कहने वाले हो, लेकिन एक माहौल बना के एक सिचुएशन बना के आपने आपकी बात रखी, आपको कैसी लगती है करके, तो उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। और एक चीज़ मुझे ऐसे भी लगती है कि अगर कुछ कोई पॉइंट आपके रह गए होते हैं ना तो वो भी आपको हेल्पफुल हो जाएगा कि ये बात थोड़ी रह गई तो, और उनको आमने सामने अगर आपने अप्रिसिएशन भी दे दिया कि दिस वॉज अ वंडरफुल पॉइंट तो ये हम मॉडिफाई करेंगे, तो उनको भी लगेगा मेरी बात सुनी और मेरी बात ये मेमोरेंडम में या करेक्शन में या मॉडिफिकेशन में या ये जो चेंज लाए वो ऐसा है, ऐसा है। वरना एवरीवन इज गुड एट हार्ट बट व्हेन हेड पॉप्स इन इट्स अ प्रॉब्लम ओनली, यानी जब दिमाग सिर आता है ना तो ईगो आ जाता है, और हार्ट आता है ना तो वो ईगोलेसनेस आता है। ये समझ के करना है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आउटकम विल बी वेरी पॉजिटिव। और ये जो मोदी साहब कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, तो उनको भी एक प्रेरणा मिलती है कि नहीं हम करेंगे, और फिर आगे जो आपको फिर वो उनके नीचे वाले उनको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ही समझा देंगे कि वो क्या है क्या नहीं है करके। अच्छा है आप जो बता रहे, एक हमारा कुछ साल पहले मैनेजमेंट का ऐसे ही वर्कशॉप हुआ था, उसमें जो आप बोल रहे सेम चीज़ वही मैनेजमेंट प्रिंसिपल में था कि जितना इंक्लूसिव लेंगे उतना आपका कहना सोल्यूशन निकलते जाएंगे। सही है, क्योंकि लोगों का जो कहते हैं वैल्यू सिस्टम बिलीफ सिस्टम हार्डवेयर रहता है अंदर, जो 20 साल 25 साल से एक आदमी करते आ रहा है या 30 साल से उसको आप सडनली चैलेंज कर देते हो कि नहीं ये तो गलत है तुमको ऐसे नहीं ऐसे कर, तो वो एक्सेप्ट नहीं होता। हाँ वो एक्सेप्ट नहीं होता, कभी भी नहीं होता। कॉन्फिडेंस में लेना है जैसा आपने कहा इंक्लूसिव बनाना है, देन यस बहुत इजी उसका सोल्यूशन निकल जाएगा। सबका पार्टिसिपेशन कैसे हो वो सोच के अच्छा सा प्लान करके फिर करेंगे ना, तो वो बोलेंगे ना वही सिचुएशन उनके पार्टिसिपेशन बगैर की तो आपकी जान के पीछे पड़ेंगे, लेकिन पार्टिसिपेशन करके किया ना तो वही लोग आपका रक्षण करेंगे प्रोटेक्ट करेंगे। बोलो ऐसा है। अरे अभी एक चीज़ बहुत कॉमनली होती है मेरे साथ, मतलब घर में भी होता हूँ कॉल पे तो करोना भी होती है उसको पता है, तो काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं तो प्रॉब्लम्स बोलें या उसको किसी और के बारे में निंदा करना बोलें वो लेके आते हैं कि ये ऐसा हो गया, बिकॉज बहुत सारे मैटर में फाइनेंशियली मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ, तो मेरे जितने कलीग है इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया उसने मेरे साथ, तो ये जो आके लोग अपना कहते हैं ना वेंट आउट करते हैं या दुख निकालते हैं वो रिसीव करना चाहिए या उसको कट ऑफ करना चाहिए? नहीं, पहले एक बात समझना है, दे कांट गो टू अ वॉल एंड वेंट आउट देयर फीलिंग्स, दे वांट समवन, जो बोलते ना बफर चाहिए या बम्पर चाहिए कि जो उनका शॉक एब्जॉर्ब कर सके, तो एक बार उनको अच्छे से शांति से सुन लेने का विदाउट रिएक्टिंग। आपने सुन लिया ना तो वही उनकी आधी समस्या सॉल्व हो गई, अभी आपको जो कहना है वो अच्छे से करके कह देना है, लेकिन लोगों को कहने की जगह चाहिए, और उनको अगर ऐसा लगता है कि आपको कहने से उनको शांति मिलती है तो अच्छे से सुन लो बड़ी शांति से, और फिर
जरूरत नहीं कि तभी के तभी आप जवाब दे दो, मैं बताता हूँ ऐसा करके अच्छे से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे ना तो ईगो क्लैश ही होता है, और वो अगर आपने संभाल लिया और उसी का आपने मार्गदर्शन किया तो वो भी सीख जाएंगे, ये बात है। पर उस समय अपनी बुद्धि चलती है तो हम अपनी वो कहते हैं ना राय देने की जो आदत है, हो सकता है उसमें हम निंदा के पात्र बनने ही होता ऐसा ही है वैसा, तो उसको मतलब सुधारना है, जैसे आपने कहा सिर्फ सुन के लेना है और बाद में रिएक्ट करना। हाँ, उसको तुरंत तुरंत नहीं बोलना है, और अगर ऐसा चले ना, ऐसी सिचुएशन आती है तो ऐसा हम ये भी कह सकते हैं, कमजोरी तो सभी जगह पे होती है, हम भी कमज़ोर है कहीं ना कहीं, कोई और कहीं और कमज़ोर है, लेकिन हमें साथ रहकर बढ़ना है। साथ रहेंगे तो हमारा बल बढ़ेगा, अकेले हो जाओगे तो आपको गिरना ही है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, जो बताया है वो बिल्कुल लागू पड़ता है। एक बार सही गलत को बाजू पे रख के साथ रहे, ऐसा एक माहौल तैयार करना है, वो जो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये सुनते हैं, अच्छे से सुनते हैं, तो देखती हूँ ना कि मुझे हैरानी होती हूँ कैसे सुनते हैं सबको। ऐसे भी मैनेजमेंट में ऐसा सिखाया जाता है, बी ए गुड लिसनर फर्स्ट, लेकिन हम बोलते हैं बस दूसरों को कि आप मेरा सुनो। नहीं है सर, बात सही है, प्रोफेशनली भी, और ऐसा जब आपका जीवन ऐसा है, आपकी कमिटमेंट ऐसी है, तो वो एक क्वालिटी आपके अंदर, वो जो इसलिए मैंने पूछा कि वो गुड लिसनर से हम लोग ऐसा ना हो के लोगों के निंदा रिसीव करना, मतलब किसी न किसी के, नहीं वो निंदा तो करेंगे लेकिन यहाँ पर उसको उसको क्या बोलेंगे, सिंक कर देने का, उसको उनकी निंदा को यहीं सिंक कर देने का, वो वापस एक्सप्लोड हो ऐसा नहीं करेंगे, उस पे ही मेन काम। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है, और सामने वाले का पर्सपेक्टिव रखो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा ऐसा, इसलिए आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो उनके लिए, उनको भी उनके लिए पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन अगर आपको उनके लिए, जिनकी बात करते हैं उनको, उनके लिए आपको कुछ भी है तो आप थोड़ा और डाल के देंगे उनको, विच शुड नॉट हैपन। कई बार क्या है कि जो लोग हमें इसे पसंद नहीं होते ना, और उनकी बात आती है तो वो तो वैसे ही है, मेरे साथ भी ऐसा किया था, वैसे वैसे करके, तो उनका उनकी समस्या आपने सॉल्व नहीं की, बढ़ा दी और भी, तो ऐसा नहीं करना है। वरना ये तो बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है, और बात कुछ नहीं होती है, मेन बात ये, उसकी कोई मॉनिटरी वैल्यू भी नहीं होती है देखे तो, बस ईगो हर्ट हो गया ना तो बस अभी कुछ। आपका ये 150 Mbps भी ब्रेक होता है बीच बीच में, होता है क्योंकि ऑनलाइन होता है ना, तो वो ब्रेक होता है तो चक्कर काटता है फिर। और दर्शना दिशा है, डर डर के ऐसा किया ना, ऐसा लगता है अच्छा है ना। तो 3-4 साल ही पढ़ने का है, अगर ढंग से पढ़ लिया ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ये 3-4 साल नहीं पढ़े ना डाउन, फिर भूल जाओगे। और वही समय में राइट टाइम में मेरा 9th standard में अवेकनिंग हो गया। मुझे कभी बोलना नहीं पड़ा उनको पढ़ो, वरना दिन में 25 बार बोलते थे पढ़ो पढ़ो, और मैं नीचे घूमता रहता था, पास होता हूँ ना, पास फेल हो गया तो बताना, तो फेल हो गया और बराबर पड़ी बराबर से, लेकिन बड़ा अच्छा हो गया। आई बिलीव राइट टाइम में वो शॉक जो लगा ना, अच्छा पॉजिटिव हो गया।
फिर इनको कभी कभी शिकायत हुई नहीं। फिर तो मुझे कहते थे खेलने जाओ, टाइम नहीं है अभी, अभी तो मेरा ये टाइम है, अभी तो मेरा ये टाइम है, टाइम टेबल बनाया था, इनको बोला था इन लोगों को। हाँ ये भी उसके वही फॉलो करते हैं। हाँ घर में भी टाइम टेबल चाहिए, बाहर का तो होता ही है, आई मीन स्कूल में तो होता ही है। और उससे बहुत आसान हो गया इनफैक्ट कि घर के टाइम टेबल से सभी सब्जेक्ट में एनी टाइम अप टू डेट। इंजीनियरिंग में भी ऐसा ही किया था, तो एग्ज़ाम आती थी तो कभी टेंशन आया ही नहीं, एग्ज़ाम के दिन भी एकदम बिल्कुल कैजुअल और आसानी से निकल गए। इतनी टेंस क्यों है, नहीं तो सीरियस क्यों है? ये देखो क्या होता है, और बोलिए क्या बोलता है, कहाँ जाना है? अभी स्टेबल हुआ? हाँ या बीच में जो चक्कर काटे बस। नॉर्मली 150 Mbps में ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए, बट रियल टाइम में ऐसा हो जाता है कई बार। वो शायद तो तीन डिवाइस कनेक्टेड थे, तो मैंने अभी एक डिसकनेक्ट किया। हाँ तीन डिवाइस कनेक्ट थे। हाँ हाँ तो शायद उस वजह से हो रहा होगा, तो एक मैंने अभी डिसकनेक्ट किया। अभी भी 150 Mbps इज अ वेरी गुड स्पीड, 200 Mbps तक। हाँ जैसे आपने कहा ना कि ये स्टार्ट में जो डिस्कशन में था कि प्रमोशंस वगैरह वो साइकिल एम्बिशन रहते हैं, सो एक है कि जितना ज़्यादा एम्बिशियस होंगे और जितनी पोजीशंस पे जाएंगे उतनी आप उस कहते ना साइकिल में और जाते जाएंगे, फ्री होने का वो उतना नहीं हो पाएगा, मतलब आपका जो टाइम है वो टुवर्ड्स दीज थिंग्स विल इंक्रीज, तो वो रखना चाहिए उतना एम्बिशन। एक ही बात है जो मेरी समझ में आता है, मेरी समझ में आता है कि जितनी आप ऊँची पोजिशन पर जाओगे ना उतना आपको फ्री होना चाहिए, लेकिन जैसे वो मजदूर काम करता है ना 15 घंटे, ऐसे मैनेजर को या जनरल मैनेजर को या मैनेजिंग डायरेक्टर को कैसे काम करना चाहिए, क्योंकि उनको करना नहीं है, उनको सोचना है कि किस तरह से प्रोडक्टिविटी बढ़े, किस तरह से आउटकम बढ़े, गलती कहाँ हो रही है, फाइनेंशियल फिगर्स देखते हैं, ऐसे करके किस तरह से कॉस्ट कम करें, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, लोगों का मॉरल कैसे बढ़ाए, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये समस्या हो जाती है, तो ये नहीं होना चाहिए। और आप जैसे ऊपर जाते हो लोगों के लिए आपको टाइम अवेलेबल होना चाहिए, वो कैसे भी करके आपको निकालना है। ऐसा बताया गया है कि मैनेजर उनको कहा कि ही नोज टू मैनेज पीपल एंड मैनेज वर्क, ही डजंट डू, ही इज नॉट पेड फॉर डूइंग, उनको पे किया जाता है कैसे वो काम करवाए, किस तरह से लोगों का मोटिवेशन बनाए रखे, वो ज़रूरी है। और वो कर पाएंगे, ऐसा है दादा भगवान ने एक ऐसा फिलोसॉफी रखी थी, यानी अंडरस्टैंडिंग रखी थी कि
उन्होंने हमेशा अपने ऊपर वालों से झगड़ा किया है और अपने नीचे वाले जो भी थे उनका प्रोटेक्शन किया। लोग उल्टा करते हैं, करेक्ट, वो बॉस को खुश रखने की कोशिश करते हैं और नीचे वाले को दबाते रहते हैं। बोले वो बहुत गलत एटीट्यूड है, आप नीचे वाले को पूरा रक्षण दो, उनके लिए आप ऊपर वाले से लड़ते रहो। बोलो अभी ये उन्होंने फिलोसफी बताई तो इससे क्या बनता है कि उनके नीचे वाले सब खुश, कुछ भी धक्का आता है ना तो नीचे तक जाने नहीं देते, अपने पर ही ले लेते हैं, उनको पता तक नहीं चलने देते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन उनके पास जब जाता है ना तो वो पैलेटेबल ईजी ऐसा ही जाता है। ये सोचकर हमें काम करना है तो बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन ये अगर सोच है तो मैं जहाँ काम करता हूँ L&T में, हमारा एक डिपार्टमेंट सामने था एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट, तो वहाँ पर एक बॉस ऐसे थे ना, किसी की कुछ गलती हो गई ना तो उनको एक घंटे दो घंटे मैंने 4 घंटे तक उनको फायर करते देखा है, डांटते हुए देखा है। और वो बेचारा, हाँ यस सर, व्हाट इज 4 आवर्स, वो 4 घंटे में तो कितना सारा काम कर दिया होता है, लेकिन उनको बस बिठाए रखा। वो कहीं गया कुछ काम करके आए, वापस उनको बोला बैठे रहना। बोलो, और हमने हमारे बॉस को देखा है, वो हमारे लिए ऊपर वाले के साथ लड़ते रहते हैं। जैसे कि मैं आई एम लाइक स्पेसिफिकेशंस बनाता हूँ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, तो कुछ भी ऐसा हो जाता है तो एग्जीक्यूशन वाले आके मुझे डांटना शुरू कर देते हैं या कुछ बोलना शुरू करते हैं, तो बोलते हैं वेट, दैट स्पेसिफिकेशन वॉज ऑथोराइज बाय मी, ही जस्ट मेड इट, जो भी बात है वो मुझे बात करो। सी दिस काइंड ऑफ प्रोटेक्शन आपके लिए इतना मोटिवेटिंग हो जाता है ना, अब वो बॉस आपको बोलेंगे यहाँ से कूद पड़ो तो आप करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वो मुझे गिरने देंगे नहीं। और दोनों ने ऐसा बता दिया है, ऐसा एक एक्सट्रीम केस ऑल टाइम। ये 5 साल में ये वो बॉक्स के अंदर में 5 साल तक था, फिर वो ही छोड़ के चले गए। बोलो ऐसा, तो उसके कारण जो दादा ने जो समझाया था ना बिल्कुल मैचिंग था। लेकिन उनका एक खुद का लाइफ में ऐसा हुआ था कि वे लोग 8 भाई बहने थे, ही वॉज द ओल्डेस्ट, और उन्होंने अपने पिताजी को किस तरह से ये 8 भाई बहनों को डील करना है ना, वो उन्होंने खुद ने देखा, बिकॉज ही वॉज द एल्डेस्ट, उन्होंने देखा उनके पिताजी कैसे सभी 8 भाई बहनों को हैंडल किया। सो ही मैनेज द होल स्टाफ, एटलीस्ट अंडर उनके अंदर जो थे, कभी परेशानी प्रेशर महसूस ही नहीं होने दिया। वो प्रेशर जो आता है वो खुद ही ले लेते थे, और हमारे पास जो आता था ना वो पार्ट में देते थे कि जो हम मैनेज कर सके, बाकी वो अपने पास रखते थे और लड़ते थे कि ये इतना टाइम में नहीं होगा, यू हैव टू गिव मी 3 वीक्स, और हमें 2 वीक में करवाते थे। और ये सब होता है ना जो हमने देखा, तो आप भी सीखेंगे ऐसा है। आपकी पोजीशन सिक्योर कब है, जब आपके नीचे सब लोग आपके साथ खुश हैं। ये जरूरी करना है। हम ऐसा मानते हैं कि ऊपर वाले खुश हैं ना, ऊपर वालों को हम खुश करेंगे, खुश रखेंगे, वो जो भी कहेंगे वो करेंगे। लेकिन देखो, उनको तो करना नहीं है, उनको तो करवाना है, तो उनको वो कैसे करेंगे वो जानते हैं, इसीलिए फैक्चुअल फिगर्स वो ध्यान में रखकर कुशन रखे उनसे लड़ते थे, कितना टाइम में नहीं होगा करके। और हमारे सब प्रोजेक्ट बिफोर टाइम कंप्लीट हुए थे, और वो अभी तो वो तभी भी था, अभी भी ऐसा है, जो प्रोजेक्ट का डेट जो दिया है उनके पहले अगर कुछ होता है ना तो उसमें आपको कुछ बेनिफिट मिलते थे, उस एवरी टाइम सब प्रोजेक्ट में हमने बेनिफिट लिया था।
एंड बिग बिग प्रोजेक्ट, जैसे हमने 5 सीमेंट प्लांट किए थे 3,200 टन पर डे, ऐसे बड़े बड़े दो तो हमारे एनएनटी के ही थे, मच मच बिफोर टाइम। तो ये होता है, तो ये कला हमें समझ लेनी है, सीख लेनी है। सिचुएशन अभी एमएनसीज में क्या हो गया कि इंडियन मैनेजमेंट ये उल्टा करता है, ऊपर ग्लोबल बॉसेस को खुश रखना है तो नीचे बहुत सारा ये कहते हैं अनसेटिस्फाइड अनहैप्पी लुक, राइट, नंबर बढ़ रहे हैं। और ये जैसे टाइमलाइन का कहा, उन्होंने बोला कि कल दे दो, बोलते आज ही करके दे दो। इसीलिए अगेन अगेन आपको सबको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए सबको इकट्ठा करो, बात करो, मैटर को रखो, उनकी राय लो कि ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकते हैं, और फिर उनको बताओ कि ये सिचुएशन आई है, हमको करना है तो हम कर सकेंगे, और ऐसा टाइम फ्रेम देना है कि जो उन ऊपर से क्लैश नहीं होता है, बहुत अच्छा हो जाता है। मैंने ये देखा, देखो अगर हम डेस्परेट हो जाते हैं ना तो 10 घंटे का काम आप आराम से 5 घंटे में भी कर सकते हैं। डेस्परेशन चाहिए, लेकिन वो डेस्परेशन लाने के लिए आपको सबको कॉन्फिडेंस भी लेना जरूरी है कि उनको ऐसा लगे कि यस, दिस इज नॉट मैनेजमेंट डिसीजन, दिस इज आवर डिसीजन एंड वी मस्ट वर्क। क्योंकि आज जिस तरह से कंपटीशन है, प्रेशर है, वो ऐसी परिस्थिति में अगर हम एक्टिव नहीं रहेंगे, थोड़ा भी जरूरत कैपेसिटी से थोड़ा ज़्यादा नहीं करेंगे तो वील बी इन ट्रबल। तो उनको भी महसूस हो जाता है, उनको आपने रियलाइज करवाया, वो समझ गए, अभी उनको दो। सबको एक तो उनको फ्री स्पेस, लिविंग स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। किसी को घुटन हो ना, ऐसा उनके साथ नहीं रहना चाहिए। यानी हम ऐसे डील करते हैं कि सामने वाले को सांस लेना भी भारी पड़ता है, वो गलत है, क्योंकि वो परिस्थिति में उनकी जो कैपेसिटी है ना, वो कैपेसिटी में भी काम नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा से सांस लेना, ऐसा माहौल बनाए रखना है, और फिर उनको प्रेशराइज करो, तो वो प्रेशर ले पाएंगे, आउटपुट दे पाएंगे और खुश भी रहेंगे, और वे डाउन सब ऐसा हो जाएगा, वो पॉजिटिव प्रेशर हो जाएगा। यस यस, और सबको ये फील करवाना है, यू आर नॉट वर्किंग फॉर द कंपनी, यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ, दिस इज आवर कंपनी। एवरी लिंकेज, every element of this company, every individual of this company is a vital link for the company to run. One link weakens, it will weaken the whole system. जैसे वो ट्रेन में आप देखे होंगे कि जब जब वो स्टेशन के अंदर एंटर होती है तो वहाँ दो लोग लाइट लगा के खड़े होते हैं, बैठे हुए होते हैं, वो सिर्फ विजुअल ऑब्जर्वेशन ही करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं कि कोई एविडेंट कुछ ऐसा कुछ है नहीं ना, ऐसा करके। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और वो सब ऐसा देख लिया, लेकिन ट्रेन इज गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा। तो ये रखना बहुत ज़रूरी है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर हैंड्स एंड लेग्स, यूज योर हेड एंड हार्ट, बहुत ज़रूरी है। एज यू गो हायर, आपको काम करवाना है, इतना बात बहुत समझ में रखना है। और जहाँ जहाँ मैटर को पास ऑन करना है ना, तो मैसेज से पास मत करो, बुला लो, वहीं पर बात करो, और वो मैसेज वहाँ पहुँचता है ना, उसकी इफ़ेक्टिवनेस बहुत अच्छी होती है। तो मैसेज से होता है ना, तो वो आई बिलीव इट इज़ काइंड ऑफ ब्लाइंड कम्युनिकेशन। एंड वर्बली अगर आपने कह दिया एंड देन सपोर्टेड बाय अ मैसेज कि दिस इज द कंफर्मेशन मैसेज,
तो उनको आई बिलीव दे फील गुड। वो केवल नहीं, मैं जो जाके बोलते ना कि ये करने का था करके दिमाग फिरता है करके, बिकॉज देर इज नो हार्ट इन दिस कम्युनिकेशन। बट वेन यू आर टॉकिंग, वेन यू आर डीलिंग इन पर्सन, दैट पर्सन इज ऑलवेज देयर। इनफैक्ट ये बात को लक्ष्य में रखकर आई हैव स्टार्टेड मूविंग आउट। मैं ज़्यादा करके ऑनलाइन रहता हूँ, ऑनलाइन वैसे भी होता ही हूँ, जब होता है तो मैं इट्स माई चॉइस कि मैं देखता हूँ कि आई एम ऑलवेज ऑनलाइन। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो मैंने देखा कि इफ़ आई गो एंड मीट पीपल पर्सनली, उसकी इफेक्टिवनेस बहुत बढ़ जाती है। अभी मैंने कहा था इतना एकदम मोमेंट, सुजानगढ़ था, जोधपुर गया, बड़ौदा आया, भोपाल गया, हरिद्वार गया, देवलाली गया, पुणे आया, सतारा जाऊंगा, वापस बड़ौदा जाऊंगा। बोले मैं ऐसा सोच रहा हूं कि देखो, अगर आप कंफर्ट जोन में ही रहना चाहोगे तो वो कंफर्ट आपको कभी भी बाहर आने नहीं देगी। कितना अच्छा है, बस ये ऑन कर दो, बातें कर दो, लेकिन इसमें करके बात कर लेते हैं ना, लेकिन वो उसी उसकी जगह पे सही है। लेकिन जब आप जा सकते हो तो लाइक अभी मे बी 5 or 10 years हम इजीली मूव कर पाएंगे, फिर वो उसकी भी लिमिटेशन आएगी। तो बोले वो लिमिटेशन आए उसके पहले जितना हो सके उतना घूम। और मैंने देखा, मैं आके थोड़ा सेटल किया हो गया बड़ौदा में, किसी ना किसी का फ़ोन आ जाता है, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, चार्ज करने के लिए कब आ रहे हो, ऐसा करके बोलते हैं। मैं मुझे देखने दो। फिर अगले दिन 6 बजे फ़ोन आया, मैंने कहा मुझे सोचने दो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने थोड़ा जांच किया, पूछा कि टिकट कभी मिलती है। नेक्स्ट डे 6:50 वॉज द ट्रेन एंड इट वॉज फ्रॉम अहमदाबाद। मैंने कहा क्या करेंगे, वो जो जिन्हें टिकट निकाली है दूसरे हफ्ते, तो आपको क्या काम है, आपको जाना है ना, आई मीन नहीं, आपको जल्दी उठना पड़ेगा। मैं बोला क्या प्रॉब्लम, क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उठ जाऊँगा। 3 बजे उठ गया, 4 बजे की टैक्सी पकड़ी, 6 बजे 6:30 बजे अहमदाबाद पहुँचा, बड़ौदा से ट्रेन पकड़ ली, पहुँच गया। नेक्स्ट डे नाइट उनको मालूम ही नहीं है कि मैं ट्रेन में बैठ गया, क्योंकि ये डिसाइड हुआ तब रात हो गई थी, ट्रेन की टिकट निकाली तब। तो मुझे ऐसा लगता है कि यू मस्ट ऑलवेज बी रेडी फॉर एनीथिंग, जो एवर रेडी करके बोलते हैं, लेकिन अरे नहीं अभी तो मैं आया हूँ, करना क्या है, गाड़ियाँ जाती है, आपको तो जाके गाड़ी में बैठना ही है, बोलो। तो ये हमारा लाइफ की जो जो मोटिवेशन है ना, वो जाना नहीं चाहिए। यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एंड लाइव। आलस आती है कभी कभी, आती ना, बोलो। आजकल आने लगी है, पहले तो इन्हें बिल्कुल आलस समझता ही नहीं था। हाँ, अभी इन्हें भी आलस आने लगा। ऐसा है, समझ में आया, आलस नाम की चीज ही नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमने, आपको मालूम है, सुपर ब्रेन योगा करवाते हैं, नहीं करते हो ना, वो तो वेल फॉरगॉटन, नाइसली फॉरगॉटन, बोलो ना, बोलते हैं करते भी हैं, फिर भी इनको नहीं। रियली पीयूष जी, ये जो सुपर ब्रेन योगा है ना, उसके पीछे हिस्ट्री, नॉट हिस्ट्री बट उसके पीछे इन लोगों की स्टडी है कि वॉट एवर वी डिसाइड, इफ यू वॉन्ट टू मेक इट हैपन यू डू दिस, बोलो। करना नहीं है, आई एम सेइंग आई हैव ऑब्जर्व कि ये हो जाता है, हमें करने का बोझा नहीं रहता है, बस हो जाता है। हो जाए तो अच्छा है कि करे तो अच्छा है।
हो जाए तो अच्छा, करने का बोझा रहता है, बदलिश रहते करना है करना है करना है, हो जाने का मतलब एफर्टलेसली हो जाता है। ऑफकोर्स देर इज एफर्ट बिहाइंड इट, लेकिन आपका जो विलिंगनेस है ना, वो विलिंगनेस से वो एफर्ट करने पर भी एफर्ट लगती नहीं है, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। बोलो, सो थिंक अबाउट इट एंड स्टार्ट डूइंग 20 to 25। शुरू करते हैं छोड़ देते हैं, मतलब कंटिन्यू होना चाहिए। मैं तो एवरी डे इज माई एग्जाम, सो आई हैव टू रिमेन अप टू डेट, तो हम कर ही लेते हैं। जैसे खाना नहीं खाते हम, तो ये भी करने का है। खाना खाने के बाद डाइजेशन हो जाता है कि डाइजेशन करते हो आप? कहाँ, वे पेट में जाते हो अंदर डाइजेस्ट करने के लिए? होता है ना, क्यों? उसी तरह से ये सुपरब्रेन योगा करेंगे तो आपको जो करना है ना, जो करना, इट विल हैपन। करने का बर्डन रहता है और होने में इट विल हैपन ऑफ इट्स ओन वेरी इजीली, एंड यू विल एंजॉय द रिजल्ट्स आल्सो। रिजल्ट अच्छा आएगा तो मज़ा नहीं आएगी? यस, यू विल एंजॉय द रिजल्ट ऑफ योर सक्सेस। And it is very, क्या बोलते हैं, enjoying तो है लेकिन satisfying कि you have worked and you got the result। काम करते हैं लेकिन होता नहीं है, तो ये करने से हो जाता है। अच्छा है, दर्शन क्या सोचती है? क्या करने का है आगे? कुछ सोचा? कुछ सोचा कि नहीं? आपसे कुछ? हाँ, कुछ सोचा नहीं है अभी? इट्स टू अर्ली, नो प्रॉब्लम इफ यू हैवंट थॉट अबाउट इट। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन हमारे भाई साहब वो 5 साल के थे तब तक रट लगा के बैठे थे, डॉक्टर होना है डॉक्टर होना है डॉक्टर होना, तो 12वीं में वो दोनों 12th और इंटर इकट्ठा हो गए। तो तभी सीट इतनी जब थी नहीं, तो फर्स्ट सिक्स मंथ में नहीं मिला, तो 6 मंथ इंजीनियरिंग की थी, और 6 महीने के बाद फर्स्ट सेमेस्टर के एंड में कॉल आया मेडिकल कॉलेज से, तो वहाँ चले गए। बोलो, ऐसा है, आपके लिए सब दरवाजे ओपन हैं अगर आप तैयार हैं तो। आप तैयार नहीं हैं तो खुले दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। क्या करना है आपको? बंद दरवाजे को खोलना है या खुले दरवाजे को बंद करना है? खुले दरवाजे को बंद करना है? अरे बंद दरवाजे को खोलना है हमें। ऐसा है, लेकिन उनका डेस्परेशन सॉलिड था। He was working all those years. First, second आ गया तो हफ्ते भर कोने में बैठ के रोता है। बोला क्या प्रॉब्लम है? मेरी फर्स्ट रैंक नहीं है। अरे यार पास हो गए फिर क्या, जाए यहाँ से न मार खाएगा करके बोलते। ऐसा है, बोलिए आपका शुभ नाम? प्रज्ञा जी, बराबर आपने बताया था। लेकिन बोलो आपको क्या करना है सीधा। हाँ, आपको जो करना है वो बता दो। भगवान, हम बोलते हैं ना भगवान के पास जाना, तो गलत बात समझते हैं। वो भगवान के पास नहीं जाना, भगवान होना है। भगवान होंगे तो भगवान का सुख आपको मिलेगा। सेवक बनना है तो भगवान की सेवा करोगे तो भी वो बहुत अच्छा है।
लेकिन अगर आप भक्त बनेंगे तो भक्ति रहेंगे, भगवान नहीं हो पाएंगे। लेकिन हमारी सक्षमता भगवान होने की है, इसलिए भक्त होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर होना है तो भक्त होना भी एक अच्छी बात है, लेकिन कैसे भक्त होना चाहिए तो कृष्ण भगवान ने ना चार प्रकार के भक्त बताए भगवान के। एक है वो भगवान को मानते नहीं है, लेकिन जब कोई समस्या आ जाती है ना तब जाके घंटा लगाते हैं, घंटी लगाते हैं और भगवान को बोलते हैं, हे भगवान मेरा इतना कर देना, और आप इतना करोगे तो मैं इतनी प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, जो भी है। उसे आर्त भक्त कहा कि जो भगवान के पास एक समस्या लेके जाते हैं और आर्तता से प्रार्थना करते हैं कि ये मेरा कर दो करके। बोलो हार के, हार के। और दूसरे जो होते हैं दूसरे प्रकार के, वो उसी तरह से जाते हैं लेकिन भगवान को भी एक प्रकार से, वो क्या बोलते हैं उसको, रिश्वत देते हैं, ऐसा सही अच्छा शब्द नहीं है लेकिन ऐसा वो बोलते हैं कि भगवान आप अगर ये मेरा काम कर दें तो आप, मैं 15 नारियल चढ़ाऊँगा, इतनी पूजा करवाऊँगा, इतना डोनेशन दे दूँगा, वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी ऐसे प्रकार के भक्त हैं, कोई झगड़ा नहीं है, तो सभी प्रकार के होते ना ऐसा। तीसरे प्रकार के हैं वो भगवान कैसे है, कृष्ण भगवान कैसे रहते थे, खाते थे क्या, पीते थे क्या, रहते थे कैसे, उनका जीवन क्या है, यानी एक जिज्ञासा से भगवान को समझने की, पहचानने की उनकी एक अंदर से इच्छा बनती है और वो भगवान की आराधना करते। क्या करना है तो बोले साधन संपन्न है, उनको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन भगवान आप कैसे हो, आप क्या हो, वो समझने के लिए जिज्ञासा से भगवान की आराधना करते हैं, उसे जिज्ञासु भक्त बताए। और आखिर के जो बोले कि उनको ज्ञानी भक्त बताया, भगवान को पहचान करके भगवान की आराधना करते हैं, पहचान करके भगवान की आराधना करते, भक्ति करते हैं, वो ज्ञानी भक्त है। और कृष्ण भगवान ने कहा है कि ज्ञानी भक्त उनको सबसे ज़्यादा पसंद है। बोलिए तो ये आपके पास चार दरवाजे हैं, आपको कौन से दरवाजे में जाना है तो इसको आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा। और भगवान की पहचान ही करवानी है और भक्ति करनी है तो वो आखिर की भक्ति है, वो सही भक्ति है, वो गलत नहीं है दूसरी, लेकिन सही है क्योंकि आज वो संभव है। अगर वो संभव नहीं है तो दरवाज़ा खुला ही नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये आखिर का चौथा दरवाज़ा है ना, कभी खुला होता नहीं है, बंद ही होता है, लेकिन आज वो खुला है तो आपको प्रवेश मिल सकता है। एक बताता हूँ, मंदिर गए कभी कभी बड़े बड़े मंदिर में, जैसे कि हम, मैं उदाहरण देता हूँ, हम चार धाम की यात्रा में गए थे ना, तो हमारे साथ एक परिवार था, बूढ़े बूढ़े यानी अच्छी उम्र हो गई, पैर चलते नहीं हैं, पैर चलते नहीं, 50 फुट चलेंगे नहीं तो बोलेगा अब चला नहीं जाता ऐसा से। तो वो कहीं भी गए तो वहाँ तक तो पहुँच गए किसी भी तरह से, डोली करके या घोड़े पर या हेलीकॉप्टर से। फिर बोलेंगे इतनी लंबी लाइन है, बोले लाइन में आओ, तो पता नहीं वो उनको वो सब आता था, वो वहाँ जो पंडित जी या सिक्योरिटी वाले खड़े थे ना, यार ये पैर है, ये मुझे 10 मिनट खड़ा नहीं रह सकता हूँ, आप लाइन में खड़ा रहने को बोलते हैं कैसे, हाथ में दे देता है बस, फिर आवाज़ करता है सब लोग चले जाओ यहाँ से, ऐसा करके दर्शन किया, हम ऐसे करके गए, बोलो दर्शन किए, ऐसा है। यानी कहने का क्या है कि ये रास्ता बंद होता है और कतार बड़ी लंबी है,
और ये रास्ता ये स्पेशल लोगों के लिए खुला है, तो अगर आपकी इच्छा है तो बताना। नहीं जो है वो बताया हमने, हमें आपसे कुछ लेना नहीं है, हम तो केवल देने का ही है, आपको केवल देने का ही है। देने लेने लेने का तो क्या लेंगे आपके पास, संसार की चीज़ लेंगे, पैसे की हमें ज़रूरत है नहीं। पैसे हमें ऐसा देख के लगता है कि खराब होगा कुछ, नहीं है ना? नहीं नहीं पिछली बार बहुत लोगों ने करा, तो लेकिन हमने क्यों नहीं की? हमारा वो गायत्री वाला जो जुड़ा हुआ ना, अरे लेकिन वो, अरे बाबा उसको छोड़ने का नहीं होता है। एक बात बताता हूँ, देखो आपकी शादी, अरे बात सब सही है, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ वो आप समझो। देखो कहीं भी जाएंगे ना, आपको मंत्र बुलवाएंगे, ये मंत्र बोलो, बराबर। मंत्र में किसका उपयोग होता है? वाणी का उपयोग होता है, बराबर। फिर कोई बोलेंगे ध्यान करो, ध्यान में किसका उपयोग होता है? मन का उपयोग होता है। योगासन, इधर पैर ले जाओ उधर पैर ले जाओ, प्राणायाम करवाते, शरीर का उपयोग करते हैं, मन वाणी और काया, वो विनाशी है कि अविनाशी है? विनाशी चीज से अविनाशी कैसे मिल सकते हैं? इसीलिए जो अविनाशी प्राप्त करके बैठे हैं और वो अविनाशी आपको प्राप्त करवा सकते हैं, वो प्राप्त करके आपको जितना विनाशी की आराधना करना करो ना, कौन ना बोलता है? समझ में आया क्या बताया? जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, आपके मायके में यानी पापा के घर में आप आराधना करते थे, तो आपको बोले नहीं नहीं मुझे शादी नहीं करनी है। शादी क्या क्या तकलीफ है? वहाँ जाके भी आप आराधना कर पाओगे, लेकिन शादी हो जाएगी तो एक काम बनेगा ना, तो उन्होंने शादी करवा दी और यहाँ आके वो आपकी आराधना चालू है, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? और ये शादी जो है ना, जैसे वो शादी करके आप यहाँ घर पर आए, ससुराल आए, अपने घर पर आए, उसी तरह से ये शादी है ना, ये भी एक शादी है, लेकिन वो भगवान जैसे भगवान के साथ की शादी है। कौन से भगवान के? हमारे भीतर के शिव जी के साथ की। तो अर्धनारी स्वरूप सुना है, ये हमारा दाहिना भाग शिव जी का है और बायां भाग पार्वती का है, लेकिन अब दोनों एक है, इसीलिए असर होती है। एक शक्ति का स्वरूप है जो कार्य करती है, पार्वती जी शक्ति का स्वरूप है और शिव जी वो ज्ञान स्वरूप है, वो स्थिरता का क्या बोले प्रतीक है, स्टेबिलिटी। वो दोनों हैं अंदर, लेकिन अब दोनों अपनी जगह पे काम नहीं कर रहे हैं। अपनी जगह पे है शिव जी है अंदर, लेकिन वो सुसुप्त है, वो जागृत होने चाहिए। वो कृष्ण भगवान में जागृत थे, उन्होंने अर्जुन में जागृत किया, राम भगवान में जागृत थे, हनुमान जी ने जागृत किया, महावीर भगवान में जागृत थे, गौतम स्वामी में जागृत किया, दादा भगवान में जागृत थे, हमारे अंदर जागृत किया। आज अर्जुन नहीं है, गौतम स्वामी नहीं है, हनुमान जी नहीं है, फिजिकली नहीं है, लेकिन उनका यश नाम अभी भी काम करता है। भूत पिता से निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना है बोलो। ये बात है, सोचना कोई जल्दी नहीं है, लेकिन ऐसा है ना, दरवाजा बंद होने से पहले जाग जाना, फिर बंद हो जाने के बाद हम भी कुछ नहीं कर सकते। एक बार बंद हो गया फिर बंद हो गया। देखो मैं जब पहली बार मिला ना, मेरी समस्या यही थी, मेरी समस्या ये थी कि जो मुझे करना है वो कोई और मेरे लिए क्यों करेगा, ऐसा मैं मानता था। क्योंकि दादा भगवान ने तो बताया था कि अगर आप खुद कर सकते हो तो मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तभी मुझे वो बात समझ में नहीं आई थी। एक साल निकल गया, 82 में मैं पहली बार मिला था, 83 में ये फिर मेरी इंजीनियरिंग ख़त्म हुई 83 में, और तब मेरे हाथ में किताब आई। वो किताब पढ़ने से पता चला कि मैं जो करना चाहता था
वो ये समय में मैं नहीं कर सकता हूँ, ये समय में वो कृपा से ही काम हो सकता है, और वो मेरी समझ में आ गया, वो काम हो गया, ऐसा है। देखो, घर छोड़ना नहीं है, संबंध छोड़ने नहीं है, लेकिन भीतर के शिव जी जाग जाएंगे, और ये तीसरी आँख है ना, आपको महसूस होगा कि खुल गई। बोलो, शादी हुई ना, पंडित जी का नाम याद है? पंडित जी को याद भी नहीं करते लोग, क्या बोलते हैं, पंडित जी को याद करने की क्या जरूरत है, उन्होंने मेरी शादी करवा दी, मैं पत्नी हो गई, वो पति हो गए, तुम्हारा घर बच गया, अब गृहस्थी चल रही है, उनको याद करने की क्या जरूरत है। और वो भी ऐसा नहीं बोलते कि मुझे याद करो, लेकिन उन्होंने अग्नि की साक्षी में आपको फेरे लगवाए। कितने फेरे लगाए थे आपने? कितने फेरे लगाए थे आपने? कितने लगवाए थे? चार। वो चार बोलते, आप सात बोलते, वो चार बोलते पीछे वाले। अब एक मिनट, करुणा जी कितने लगाए थे? चार होते? सात बताए आपने, चार ही होते। कितने कितने फेरे में आप आगे थे? चार ही तो लगा। नहीं नहीं नहीं, बोलो बोलो। दो शायद, नहीं नहीं, तीन। तीन में आप आगे थे? दो या तीन। आप एक में आगे थे? रिकॉर्डिंग देखनी अभी है ना, अभी वीडियो फिर से वहां पर देख लेना। अभी एक ही प्रश्न है, मुझे मालूम नहीं आपको मालूम होगा कि नहीं, हमारे इधर गुजरात में तीन फेरे भाई लगाते हैं पहले, और आखिर का फेरा मामा लगाता। नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ मामा लगाता है, जैसे आप भाई बोल, भाई और मामा दोनों वो करवाते हैं, वो करवाते हैं, वो तो शादी करवाते हैं इसीलिए ऐसा करें। लेकिन आपके वहाँ मैंने सुना है और देखा भी है कि पहले तीन फेरे लड़की कराती है और चौथा लड़का करते हैं। अब ये क्यों करते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा बताया है, ये चार फेरे जो है ना, वो जीवन के चार पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वो धर्म, अर्थ, काम की जिम्मेदारी पुरुष की होती है, और मोक्ष की जिम्मेदारी स्त्री की होती है, इसीलिए वो आखिर का फेरे में उनको आगे रखते हैं। अभी आपकी ये तीन फेरे में आगे कैसे है वो मेरी समझ में नहीं आता, मैंने अभी कोई पंडित से पूछ नहीं पाया हूँ, लेकिन ये समझ है कि जीवन के चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और सात वो सप्तपदी है, सात कदम चलना, यानी सभी कदम पर आप एक पर्ण लेते हैं, यानी एक क्या बोलते हो उसको, पर्ण ही बोलते ना, हाँ हाँ, एक प्रण लेते हैं कि ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, तो आपकी गृहस्थी अच्छे से चलेगी। ये बात है, तो हम हैं ना उसी तरह से, और अग्नि के साक्षी में आपके फेरे लगवाए थे, पंडित जी के बगल में नहीं फेरे लगवाए थे, अग्नि के साक्षी, क्योंकि अग्नि को बहुत पवित्र गिना है, समझा है, क्योंकि अग्नि एक ऐसी चीज है, किसी भी प्रकार का कचरा है ना उसमें जल सकता है, यू नेम द कचरा, गार्बेज एंड इंसिनरेट हो जाता है, टेम्परेचर अलग अलग लगता है, लेकिन ये बात है। उसी तरह से कृष्ण भगवान के भीतर जो प्रकट आत्मा था, उनकी साक्षी में उन्होंने अर्जुन को प्रकट करवाया, यानी प्रकट दिए से उनका दिया प्रकट करवाया। उसी तरह से राम भगवान को प्रकट हुआ था वशिष्ठ मुनि जी से, वशिष्ठ मुनि जी को प्रकट हुआ था मुनि सरोवर स्वामी से, राम भगवान ने वही प्रकट करवाया हनुमान जी को, महावीर भगवान को प्रकट था उन्होंने गौतम स्वामी को प्रकट करवाया, और उन्होंने लाखों लोगों को ये बोध दिया, और वो लाखों लोग मोक्ष में गए, लेकिन ये आज कोई है नहीं, दादा भगवान ने हमें दिया और हम है, तो ये हो सकता है।
तो हम किसी पंडित जी से शादी करवाएंगे और आपके अंदर वो जागृत हो जाएगा और आप फिर मुक्त। एक चिंता हो जाए ना तो दावा करना, आज तक कोई आए नहीं, अभी तो कितने साल हो गए, 40 साल ऊपर हो गए, बोलो, सोच के बताना, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन यहाँ कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, ये बात समझना है। और आपको आपकी आराधना समझ में आएगी कि आप क्या करते हैं, कौन करता है, आप कौन हो, ये बात है। गुरु होते हैं, संत होते हैं, तो वो गुरु आत्मा किसी का गुरु बनता है कि नहीं? हमने हाँ कहा कि ना कहा, समझ में नहीं आया। करेक्ट नहीं। तो यहाँ आत्मज्ञान प्राप्त होने से आपके कोई गुरु बनते नहीं है, ना कोई, ना आपके कोई किसी के शिष्य बनते हैं, लेकिन आपको आत्मज्ञान होने से आपको आपकी पहचान हो जाती है। आपकी पहचान हो जाने के बाद प्रज्ञा जी को जो भक्ति करनी है करने दो। गृहस्थी आत्मा की है कि प्रज्ञा जी की है? नहीं, वो बात सही है आपकी, लेकिन आप प्रज्ञा जी हो ना, तो वो प्रज्ञा जी की, आत्मा की नहीं है। आत्मा किसी से शादी नहीं करता है, शादी शरीर की होती है, इच्छा है तो सोच लेना, अगर इच्छा हो तो कभी बता देना, हम या कोई और भी आएंगे तो उनसे शादी करवा लेना अपने भीतर के शिव जी से। फिर मैं प्रज्ञा जी हूँ वो जीव भाव है, और जीव भाव में सब पीड़ाएं होती रहती है, असर होती रहती है, और मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा हो जाता है तो भीतर के शिव स्वरूप का आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, आप खुद शिव स्वरूप हो जाते हैं, और शिव स्वरूप होकर हो जाने पर ये बायां भाग जो प्रकृति का है ना, वो शक्ति स्वरूप में प्रकट हो जाता है, और फिर भीतर के जो आसुर है ना सब बाकी रह गए, उनको आप ही ख़त्म कर देंगे। और जैसे करके बताया ना, महिषासुर का वध बोलते हैं ना, वो आप कर पाएंगे, लेकिन अभी नहीं कर सकते। वो शक्ति प्रकट होने के लिए ये रास्ता है, लेकिन आखिर की शक्ति जो प्रकट होती है जिससे आप भीतर के आसुर को मारेंगे, वो शिव शक्ति बोलते हैं। वो शिव, पार्वती जी यानी शिव जी की शक्ति ऐसा बता दिया जाता है, इसलिए शिव शक्ति बोले, और शिव और शक्ति साथ ही होते हैं, ऐसी बात है। सो खुशहाल दीदी आपसे झगड़ती है? बिल्कुल नहीं, आप झगड़ते हो उनसे, मजाक कर लेते ना, मजाक तो करना ही चाहिए ना, नहीं तो ऐसे अकेले बूझ जैसे रहेंगे तो उसमें क्या मजा है। वेरी गुड। बोलिए, मंत्र करते हो गलती से कभी कभी? आपका करते हो? वेरी गुड। फिर असीम जी के कानून देखो, एक बात बताता हूँ, सिर्फ क्यों करना चाहिए वो, जैसे हमारा तार अंदर के भगवान से जुड़ेगा तो अच्छा है कि बुरा है? वो थोड़ी कुछ 10 घंटा करने को बोला है, 10 मिनट ही करने को बोला है, तो 10 मिनट तो मिल जाती है ना। अंदर है ना, वही राम भगवान है, वही कृष्ण भगवान है, वही महावीर भगवान है, वही दादा भगवान है, तो वो अगर ये करने से, असीम देवी का करने से वो अंदर जागृत हो जाते हैं।
और जागृत हो जाने पर आपकी शक्ति खुल जाती है। जैसे दिया होता है ना, अगर उसकी बत्ती जली हुई नहीं है तो प्रकाश दे सकता है, लेकिन अगर बत्ती जल गई यानी प्रकट हो गई तो इससे ये प्रकट होगा। आप करेंगे 10 मिनट, बस आप दोनों साथ में करेंगे तो दोनों को आप बोलेंगे, वो फॉलो करेगी, वो बोलेगी आप फॉलो करो, 10 मिनट्स 5 मिनट्स ईच होगा तो अच्छा हो जाएगा। त्रिमंत्र तो आप करते हो, फिर साथ साथ ये हो जाएगा, फिर देखो। बोलिए प्रज्ञा जी, अभी बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बता सकती। नहीं ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम। मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ, नहीं इनर हीलिंग की बात नहीं है, मैंने बताया ना ये चौथा रास्ता जो है ना दरवाजा वो खुला होता ही नहीं है, लेकिन आज एक संयोग से खुला है तो आपको प्रवेश पत्र मिल सकता है। वो प्रवेश करके आप पूजा करते रहो ना, कौन ना बोलते हैं आपको, सामने आए उसे वो पूजा बंद नहीं होगी। शादी होने के बाद आप जो पूजा करते थे तो चालू ही है ना, इधर उधर तो बंद करने के लिए किसने कहा, लेकिन वो शादी हो गई ना, उसी तरह से वो पूजा चालू रखो, लेकिन ये शिव जी के साथ शादी हो जाने पर अंदर शिव स्वरूप और शिव शक्ति दोनों प्रकट हो जाते हैं। फिर आप बच्चे से आराधना करो, आराम से सोच के बताना, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन बोले ना दरवाजा खुला है तब तक आप सोच सकेंगे, तय कर पाएंगे, फिर बंद होने पर कुछ नहीं। वीर बच्चे सब कम बोलते हैं ना, अभी सोचते ज़्यादा हैं, पढ़ते ज़्यादा हैं, बोलते कम हैं। वेरी गुड, कुछ बोलो तो फिर मुझे पता चलता मैं क्या बोलूं। पापा क्या बोलते हैं, लाइन दीजिए अभी। लाइन दीजिए बताते हैं। निकलना ही चाहिए, बाहर बहुत ट्रिप्स होते हैं ना तो इनको अच्छा नहीं लगता क्योंकि नींद डिस्टर्ब होता है। कुछ होता नहीं, नींद क्या होता है तो देखो है। देखो मैं मेरी बात बताता हूँ। देखो मैं लास्ट 25 साल में हर साल 22 साल गया हूँ, ऑलमोस्ट एक दो साल ही नहीं गया। मैंने कभी भी इधर टाइम को लाने दिया नहीं है। अभी यहाँ से वहाँ गया तो उनके टाइम डिफरेंस के अनुसार हम शाम को पहुँचते हैं वहाँ पर, और वो लोग शाम का सत्संग बिल्कुल रखते हैं विदाउट फेल, और हम कहते हैं कि हम पहुँचेंगे, हम सत्संग में आएंगे सीधा, हम एयरपोर्ट से सीधा सत्संग में ही जाते हैं। और उनके टाइम पर ही 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे सोते हैं, दूसरे दिन से साइकिल शुरू। लेकिन आके अगर आप 5 बजे सो गए
आपकी साइकिल कभी सेट होगी नहीं, थोड़ी तकलीफ पड़ेगी, आंखें भारी होगी, पर वो वन डे ओनली, नेक्स्ट डे यू आर परफेक्ट। ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट गए तो 3 घंटे का डिफरेंस हो जाता है। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, अरे अभी तो न्यूयॉर्क में तो अभी 5 बजे है, यहाँ तो 3 बजे है, 2 बजे है करके बोलूँगा, तो उसकी कोई बात ही नहीं है। शरीर आगे आ गया और आप पीछे हो, उसको क्या बोलते हैं, आप आगे आपका कपड़ा पीछे रह गया। वो कुर्ता पहनते हैं कई बार होता है, कुछ आगे हमेशा, आप आगे चले गए कुर्ता पीछे रह गया, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। जस्ट बी इन द फ्लो, कितने बजे ऐसा करके। अभी तो ये फ़ोन में बहुत अच्छा हो गया, उस फोन के अनुसार वो टाइम बदल भी देता है, वो देखने का ही नहीं है उसमें देखने का सीधा, अभी यहाँ कितने बजे है और ये टाइम में आपको क्या करना चाहिए, बस समझ लेना है, फिर कुछ नहीं होता है। वहाँ अडेप्शन तो हो जाता है मेरा, मतलब टाइमिंग हो जाता है नॉर्मली, यूरोप या इस तरफ जापान गए तो आगे या पीछे, बट जो जर्नी का पार्ट होता है ना उसको लेके बहुत, जर्नी का जैसे नाइट फ्लाइट पूरी करके ही मोस्टली हम जाते हैं तो। अरे तो मुझे तो वो कभी प्रॉब्लम ही नहीं, और मैं प्रैक्टिकली सोता नहीं हूँ, बस वन दिन 1-2 घंटे ऐसे बीच में सो गया 22 आवर्स में, लाइक कभी सोता नहीं हूँ। एंड आई एन्जॉय द जर्नी, एक बात है वो, वॉट फॉर वॉट एवर रीजन आई डोंट नो, मुझे कभी कटरा आता नहीं है। आज अभी आप बोलेंगे कि 2 घंटे में जाना है, मुंबई जाना है, भोपाल जाना है, कहीं भी आप बोलेंगे, आई एम रेडी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यू डू गिव मी हाफ एन आवर जस्ट टू गेट रेडी, फिक पैक माई स्टफ, दैट्स इट। उसका एक समझ मैंने ऐसी रखी है, यू कांट चेंज योर सिचुएशन, यू बी रिमेन एवर रेडी फॉर योर सिचुएशन, तो आप रेडी हो रह सकते हो। दिस इज लाइक बैग, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोने में रखी या गाड़ी में रखी, बराबर है। तो ऐसा आपको भी ऐसा हो जाने का, कि आप रैक में रखी बैग, आप घर पे रहे, ये गाड़ी में बिठा दिया या प्लेन में बिठा दिया, पर गाड़ी चलती है, आप एंजॉय करो। गाड़ी आगे जाती है, सब सीट्स पीछे जाते हैं रास्ता, तो आपको सर मस्ती से रहना है। लोग आएंगे, चलो स्टेशन आ गया, 10 मिनट के लिए चाय पानी की छुट्टी, 10 मिनट चाय पानी की छुट्टी, और आप देखेंगे कि अपना बॉडी भी इतना अच्छा एडप्ट हो जाता है ना कि कोई प्रेशर नहीं, कोई टेंशन नहीं, और आप जैसे जैसे इजी होते जाते हैं ना तो वो भी समस्या आती नहीं है, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में, आपका कमिटमेंट में अगर ये है ही, तो उसको समझ लेना जरूरी है, ताकि आपको वो परिस्थिति परेशान नहीं करेगी, क्योंकि यू कांट चेंज द सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस बदल नहीं सकते, पर सर्कमस्टेंसेस की आपकी एडेप्टेबिलिटी एकदम परफेक्टली हो जाएगी। बाहर से आके यहाँ सीधा ऑफिस जाना होगा तो भी आप इतने ही फ्रेश रहोगे, और लोग ताज्जुब हो जाएंगे कि क्या बात है यार, इतना फ्रेश क्या बात है। आप ये नहीं सोचते होंगे मैं थक गया हूं, नींद नहीं है। वो तो मुझे तो पता नहीं थकावट क्या चीज होती है, सीरियसली बोलता हूँ। हमें क्या करते थे पता है अमेरिका में, क्या बोलते हैं, नाश्ता हो गया ना, 10 बजे का सत्संग है, 8 बजे नाश्ता करते हैं, हमको जाना है 100 माइल, लाइक को 80-100 माइल का डिस्टेंस हो ही जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है 2 आवर्स में। तो कई बार हमारे साथ जो लोग और भी थे वो बोलते, अरे लेकिन आराम गाड़ी में आराम करने का, आपको क्या प्रॉब्लम है, गाड़ी में चला रहा हूँ, आपको गाड़ी चलाने बोला नहीं है, आप आराम कर लो। हम 10 बजे का सत्संग थे, 10 से 12 सत्संग हो गया, 1 बजे खाना खा लिया, फिर अगेन सम 100 माइल समय रेल, वो 4 बजे वहाँ पहुँचने का होता है, तो
खाना खा के सीधा गाड़ी में बैठने आए हैं, बात समझ लो। उनका जो उल्लास उत्साह जो था ना, उनके सामने हम कुछ बोल नहीं पाते थे, लेकिन उनका वो कहना यही था आपको सोने का है ना। तो मैंने कहा कहा आप गाड़ी चलाओ जाते रहो, मैंने नहीं कहा आपको सोने सो जाओ, वहाँ सत्संग है चार छः, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ये लाइक कंटिन्यूस 25 ईयर्स ऐसा हुआ है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और नींद भी ऐसी होगी ना, 15-20 मिनट सो लिया ना, आई एम रेडी फॉर 2-3 आवर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है 6 घंटे के लिए यू हैव टू बी 180 डिग्री, प्लेन में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मे बी वो कुछ फर्स्ट क्लास में या ऐसी कोई क्लास में पॉसिबल है, ऐसा है बोल। तो ये वी मस्ट फाइंड आउट सॉल्यूशन फॉर आवर इमीडिएट प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम रहना ही नहीं चाहिए, यू कैन चेंज द सिचुएशन। और ये अच्छे से हो गया और उसका एडजस्ट, मैं कभी बोलता भी नहीं हूँ नेवर कि अभी तो इंडिया में इतने बजे हैं ना, यहाँ कितने बजे वही देखने का है, बिकॉज आई एम हियर, ऐसा है। एंड वन थिंग इज ऑल्सो देयर कि एक उम्र भी अपना काम करती है, तो वो तो आपकी उम्र है नहीं, तो उम्र के हिसाब से अगर आप ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहेंगे ना, तो ये आपकी कभी आएगी ही नहीं, विच इज़ नॉट राइट। यू मस्ट ट्राई टू गिव एज मच यू कैन, और फिर आप ऐसे सीजन हो जाएंगे ना, आपको कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी फिर। ऐसा है, शरीर से ज़्यादा थक रहे हैं, नहीं थकते मन से ज़्यादा थक रहे हैं। Don't allow your mind to ride on you. You ride your mind. दादा भगवान ने ये समझाते हुए बताया था, हमने कभी अपनी मन की सुनी ही नहीं, जो सिचुएशन है जहाँ जो जरूरी है हमने वही वो किया। और अगर आप मन को सुनेंगे ना, तो आपका मन दुर्बल हो जाएगा। Never let that happen. Never let that. क्योंकि मन तो क्या है, जहाँ उनको अच्छा लगता ना वहीं रहने की बात करता है, लेकिन अभी हम आगे बढ़ चुके हैं, आगे आना जरूरी है। मन पीछे रह जाता है तो ये जो मन और बॉडी साथ में नहीं रहता है ना, तो बॉडी फील्स लॉस्ट। बॉडी तो आगे आ ही जाएगी, लेकिन मन पीछे रह जाता है, तो मन को आपको साथ साथ रखना है। इस तरह से क्या भी है कुछ भी है, यू फाइंड योर वे आउट ऑफ योर नॉट जस्ट एन्जॉयमेंट कि हाउ टू मेक योर सिचुएशन प्लेजेंट, ऐसा है। और बॉडी को ऐसा नहीं है, 10-15 मिनट भी सोएंगे ना तो बिल्कुल रिकवर हो जाती है। इनफैक्ट आज ऐसा ही हुआ, हमको खाना खाते हुए 2 बज गया, मुझे रेडी होते हुए 2:06 हो गया और 2:15 को हमें निकलना था, तो मैंने 2:15 का अलार्म रख दिया था। एक ही क्या बोले नैप आ गई उसे में, और उसे में अलार्म बज गया, उठ गया बस। फिर गाड़ी में जो कितना टाइम लगा गाड़ी में आने को, हाँ 15-20 मिनट, उसमें एक और नैप ले ली। तो जैसे आ गया ना यहाँ आँख खुल गई, फाइन, absolutely no hangover, ऐसा है। देखो आप यहाँ से वहाँ गए ना, तो वहाँ के लोग आपको एक्सपेक्ट करते हैं एक रेडीनेस के लिए। आप बोलते नहीं मैं तो ट्रैवल करके आया हूँ, मैं 2 घंटे के बाद आता हूँ, तो वो पूरा वो मॉरल डाउन हो जाता है। उसी तरह से आप वहाँ से यहाँ आए तो ये लोग रेडी है, आप बोलते नहीं मुझे आराम करना पड़ेगा, तो इनका मॉरल डाउन हो जाता है। तो वो दोनों में कैसे करना है ना, वो आपको ये बात है, लर्न टू प्ले योर ड्रामेटिक पार्ट विदाउट एनी काइंड ऑफ हैंगओवर। वो हैंगओवर को आपके ऊपर सवार होने देना ही नहीं है। आई एम फाइन, नो नेगेटिव वर्ड,
एक नेगेटिव वर्ड बोला ना तो वो आपको कितना डुबा देता है। आजकल तो मुझे बहुत डिप्रेशन जैसा लगता है। आप के लिए क्या बोल रहे हो, माई गॉड, नेवर अटर दैट वर्ड, मुझे अच्छा नहीं लगता, कभी बोलने का नहीं, अंदर से आएगा अच्छा नहीं लगता, आई एम डूइंग गुड, वेरी गुड, बोलो। ऐसा बताया है, द वेरी वर्ड इज योर वर्ल्ड, सो एनी नेगेटिव वर्ड विल मेक योर वर्ल्ड नेगेटिव, सो बी केयरफुल वॉट इज बींग स्पोकन बाई यू। वो अंदर से बोलेगा लेकिन आप बाहर में उसको पलटा देने का, चेंज कर दे रहे हैं, आप कर सकते हैं। नहीं ऐसा ही हुआ, मैं यहाँ से रात को 10 बजे निकला, नेक्स्ट डे शाम को 7 बजे पहुँचे थे। तो जाते ही वो एक नेटवर्किंग और डिनर था, तो ऑप्शन था कि जाके रूम में सो जाए या वो डिनर कर सकते हैं। बराबर। सो आई प्रेफर टू नेटवर्किंग डिनर में ज्वाइन किया, बैग रखा और गया मैंने, काफी राइट शेड्यूल में एडजस्ट हो गया। सही है। और आप जैसे रहेंगे ना बच्चे ऐसे ही सीख जाए। इट्स अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर चिल्ड्रन व्हेन दे लुक एट देयर पेरेंट्स एंड दे लर्न एवरीथिंग। डैडी ऐसा करते थे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अंदर जो शक्ति चाहे ना वैसे ही प्रकट हो जाएगी, बिकॉज दे हैव सीन यू। सेम वे गोज विथ योर बॉस ऑल्सो, आपने बॉस को देखा है, बॉस कैसे रहते हैं तो वो आपको, क्योंकि लाइक वो यू आर स्पेंडिंग लाइक 8 to 10 आवर्स अ डे, और जिनके साथ रहोगे आप ऐसे ही ब्लेंड हो जाओगे। अडॉप्शन आ जाता है, क्योंकि हम लोग भी इतना इंडिया में अलग अलग जगह ट्रैवल किए हैं, तो बच्चे भी वो स्कूल सब सिस्टम से नहीं करेंगे, उनको अपन मालूम हो गया कि हाँ ये ऐसे चेंजेस ओनली थिंग कॉन्स्टेंट वो होता रहे। क्या बोला है पता है, चेंज इज द वेरी स्पाइस ऑफ लाइफ, तो यू मस्ट लर्न टू एंजॉय द चेंज द वे यू एंजॉय स्पाइसेस इन फूड। प्रज्ञा जी खाना अच्छा बनाते हो ना, हम बस हाँ क्या होता है, खाना अच्छा बनाते हो ना, मैंने पूछा खाना अच्छा बनाते हो, वो बात सही है, लेकिन ऐसा है टेबल पे कभी दंगा होना नहीं चाहिए, ऐसा खाना बनाना चाहिए। टेबल पर दंगा हो गया तो फिर क्या रहा, जैसे वो बोलते ना मीटिंग में दंगा नहीं होना चाहिए, इसलिए टेबल पर दंगा नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं यही बात है। देखो मैं अब मंत्र एक बुलाता हूँ, वो हम सिर्फ उसमें देख के बोल सकते हैं ना, इसीलिए देता हूँ। मंत्र बड़ा अच्छा है हाँ, लेकिन अरे ये मैं गलत लेके आया, हाँ बस ये गुजराती लेके आया, मेरे ध्यान पर रहे। हाँ पेज नंबर 6 है ना वो, हाँ एक मैं बुलाऊंगा, साथ साथ आप बोलना और उसका मीनिंग भी बोलता जाऊंगा, तो आप उसके पीछे पीछे बोलना हाँ, तो आपको पता चलेगा ये मंत्र का मतलब भी क्या होता है। नमो वीतरागाय, मैं वीतराग भगवंतों को जिन्होंने अपने भीतर के राग द्वेष जीत लिए हैं और वितराग हुए है, मुझे भी वितराग होना है, इसीलिए मैं वितराग भगवंतों को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमो अरिहंताणं, नमो
अरिहंत भगवान जिन्होंने अपने भीतर के अरि याने दुश्मनों को जीत लिया है, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष जैसे भीतर के दुश्मनों को जीत लिया है, मुझे भी जीतना है, इसीलिए अरिहंत भगवान वर्तमान तीर्थंकर जो महाविदे क्षेत्र में विचरते हैं, तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी प्रभु को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमो सिद्धानम अनंत सिद्ध भगवंत जो मोक्ष में विराजमान है जन्म मरण के फेरे में से मुक्त हो गए हैं, मुझे भी मोक्ष प्राप्त करना है, संसार परिभ्रमण से मुक्त होना है, इसीलिए अनंत सिद्ध भगवंतों को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमो आयरियाणम आचार्य भगवंत जो अरिहंत भगवान ने मोक्ष जाने के लिए आचार बताए हैं वो आचारों का पालन करते हैं और दूसरों को पालन करवाते हैं मुझे भी वे आचार प्राप्त करने हैं इसीलिए आचार्य भगवंतों को हृदय से नमस्कार करता हूँ। नमो उवज्जायाणम उपाध्याय भगवंत जो पढ़ रहे हैं आराधना करते हैं दूसरों को पढ़ाते हैं पढ़ाते पढ़ाते वे अनुभव सिद्ध होते जाते हैं मुझे भी वह समझना है वह पढ़ना है इसीलिए उपाध्याय भगवंतों को हृदय से नमस्कार करता हूँ। नमो लोए सव साहुणम इस लोक के समस्त साधुओं को जो सीधे सरल हुए हैं टेढ़ापन जीत लिया है साधक हुए हैं जो कभी भी बाधक नहीं होते फिर वे संसारी कपड़े में हो या गृहस्थ के कपड़े में हो या फिर दिगंबर हो मुझे भी सीधा सरल होना है टेढ़ापन जीतना है साधक होना है इसीलिए इस लोक के सभी साधु भगवंतों को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ ऐसो पंचन मुक्कारो सव पाव प्रणासनो ऐसे पंच परमेष्टि मुक्त पुरुषों को नमस्कार करने से सभी पापों का विनाश होता है कर्मों भस्मीभूत होते हैं और हम मुक्त होते हैं
मंगलानं च सर्वेसिं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। जो इस मंत्र का पठन करते हैं उनका सर्वश्रेष्ठ मंगल होता है, उनका सर्वश्रेष्ठ मंगल होता है। संसार का उत्कर्ष होता है, संसार का उत्कर्ष होता है। और मोक्ष भी प्राप्त करते हैं, और मोक्ष भी प्राप्त करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर अर्धकाल चक्र में नौ वासुदेव होते हैं, वासुदेव वे होते हैं जिन्होंने भीतर की नेगेटिविटी को जीत ली है, पॉजिटिव हुए हैं, नर में से नारायण हुए हैं, नर में से नारायण हुए हैं। लक्ष्मी जी जिनके अर्धांगिनी है, लक्ष्मी जी जिनके अर्धांगिनी है, मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करके बैठे हैं, मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करके बैठे। मुझे भी सीधा सरल पॉजिटिव होना है, मुझे भी सीधा सरल पॉजिटिव होना है। नेगेटिविटी जीतनी है, नेगेटिविटी जीतनी है। मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करनी है, मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करनी है। और संसार लक्ष्मी भी प्राप्त करनी है, और संसार लक्ष्मी भी प्राप्त करनी है। इसीलिए वासुदेव नारायण, इसीलिए वासुदेव नारायण श्री कृष्ण भगवान को, कृष्ण भगवान अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ, भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कल्याण स्वरूप शिव जी, कल्याण स्वरूप जिनका खुद का कल्याण हुआ है, दूसरों का कल्याण कर रहे हैं, दूसरों का कल्याण कर रहे हैं। संसार के जहर को पीकर, संसार के जहर को पीकर नीलकंठ हुए हैं, नीलकंठ हुए हैं। मुझे भी मेरा कल्याण करना है, मुझे भी मेरा कल्याण करना है। संसार के जहर से, संसार के जहर से असर मुक्त होना है, असर मुक्त होना है। नीलकंठ होना है, नीलकंठ होना है। इसीलिए वर्तमान प्रगट ज्ञानी पुरुष, इसीलिए वर्तमान प्रगट ज्ञानी पुरुष शिव स्वरूप, शिव स्वरूप दादा भगवान को, दादा भगवान को हृदय से नमस्कार करता हूँ, हृदय से नमस्कार करता हूँ। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप शुद्धात्मा भगवान, शुद्धात्मा भगवान। जो जीव मात्र में विराजमान है, जो जीव मात्र में विराजमान है, मुझ में भी विराजमान है, मुझ में भी विराजमान है। जो अविनाशी है, जो अविनाशी है, ज्ञान से परिपूर्ण है, ज्ञान से परिपूर्ण है, परमानंद स्वभावी है, परमानंद स्वभावी है। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप शुद्धात्मा भगवान का, शुद्धात्मा भगवान का जय हो, जय हो, विजय हो, जय हो, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अभी आप सोचो कि इस मंत्र के वर्णन में कहीं कोई भगवान की बात आई? ये गुण है जो आपके अंदर प्रकट हो जाते हैं तो आप ऐसे हो जाते हो। और ये मंत्र को ऊपर क्या लिखा है, छिप छिप छतपना है ना, इस संसार विघ्न निवारक दादा भगवान त्रिमंत्र बताया। तो ये संसार में तो विघ्न सभी को होता है, इनको पढ़ाई में होता है, हेल्थ में होता है, खेलने में होता है, सभी जगह समस्या ही समस्या, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। ऐसा है खुशाल, आपकी इच्छा पूरी नहीं होती, ऐसा होता है? दशना को नहीं होता है, दशना की सब इच्छा पूरी होती है, अंदर से प्रश्न है और बाहर से। तो ये सभी बाधाएं हमारी दूर करती है, ऐसा है। ये इसे, ये मंत्र को जिनको चाहे वो इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये बात है। तो ये मंत्र ऐसा है, लेकिन ये मंत्र ऊपर वाला जो मंत्र है ना नमो नियंत्रण, वो जैनी लोग बोलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेव, जो कृष्ण भगवान को मानते हैं वासुदेव,
भगवान की आराधना करते वो बोलते हैं, और नमः शिवाय तो हम जानते हैं शिव जी वाले, लेकिन ये तीनों मंत्र साथ में बोलने से ये सभी मंत्र के जो अधिष्ठाता देवी देवता है ना, वो खुश होते हैं हमारा। इसीलिए हमें सभी प्रकार की दुविधा में से, बाधा पीड़ा में से दूर करते हैं। ये बात ओके ये है। तो अगर इच्छा हो जाती है तो कभी बताना, कोई दिक्कत नहीं, नो टाइम लिमिट, बट बिफोर द गेट क्लोजिंग। ठीक है, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बड़ी बड़ी अच्छी चीज है, कितना भी 30 मीटर उसका गियर पिक करता है और सीधा यहाँ जाता है रिसीवर। दिस ट्रांसमीटर एक साथ दो टेबल से, हाँ ये तो आवाज दे, दूर बैठे हैं तो मैंने आवाज पहुंचती नहीं, ऐसा करके बैठे तो नहीं, बट ये दो रिसीवर दोनों साथ नहीं, ये अलग है, ये इधर जाता है। ओके, द रिसीवर इज हियर।